हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एथिक्स, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा, 10 मार्क्स का टॉपिक है ये आप लोगों का। कौन से कोर्स वाले बच्चों के लिए है ये? CMA इंटर सिलेबस 2022 सिलेबस, न्यू सिलेबस जिसको बोलते हैं, उन वाले बच्चों के लिए। एथिक्स ओल्ड सिलेबस में भी था, 2016 वाले सिलेबस में भी था, उस टाइम पे भी 10 मार्क्स का था, अब वाले में भी 10 मार्क्स का है, लेकिन इंटरनली कंटेंट में फर्क है, इसलिए आपका एथिक्स आप ही के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है वाला चैप्टर। इस चैप्टर को हम बुक से पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और मजा भी आएगा आप लोगों को। लेकिन इसको बुक से स्टार्ट करने से पहले ना, मैं इसके बारे में, मैंने बहुत सारी चीजें अलग से लिख रखी हैं, आप उसको नोट डाउन करते रहना, बुक से हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में मैं नोट डाउन करते रहना, वो बहुत सारी चीज लिखवा रखी है मैंने यहाँ पे पहले से, और वन बाय वन समझेंगे भी। अच्छा, आप लोगों ने एथिक्स शब्द बहुत बार सुना होगा, कई बार लोगों ने मुझे सुना होगा यार ये चीज अनएथिकल है, नहीं करनी चाहिए, ये चीज एथिकल है, कर लो, है ना। कई बार तुम लोगों ने ना एथिक्स की जगह पे कुछ एक वर्ड सुना होगा मोरालिटी, कि यार ये चीज इमोरल है, नहीं करनी चाहिए, ये चीज मोरल ठीक, मोरली ठीक नहीं है, ये चीज मोरली ठीक है, कर लो, ये चीज मोरली ठीक नहीं है, मत करो। तो ये शब्द कहां यूज होते हैं ज्यादातर, अगर आपको मेरे को बताएगा, ज्यादातर ये शब्द पता है कहां यूज होते हैं? जो हमारे को लगता है जो चीज हमारे संस्कारों के अगेंस्ट है, जो हमारे माँ बाप ने हमारे को बचपन से संस्कार दिए हैं, बड़े बुजुर्गों ने हमारे को बचपन से संस्कार दिए हैं, जो चीज हमारे संस्कारों के अगेंस्ट चली जाती है उसे हम जनरली बोलते हैं कि ये चीज अनएथिकल है। जो चीज हमारे संस्कारों के अगेंस्ट चली जाती है जनरली हम बोलते हैं चीज इमोरल है। तो अब मैं पहले बात करता हूं कि एथिक्स है क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसको सारी चीजों को खोल खोल के बात करेंगे, मजा आएगा, यू विल लव इट आज की क्लास को। एथिक्स क्या है? तो एथिक्स एक ग्रीक वर्ड था एथोस, ग्रीक का एक वर्ड था, ग्रीक लैंग्वेज एक उधर का एक वर्ड था एथोस, वहां से डिराइव किया गया, जिसका मतलब है करेक्टर, कस्टम्स और वैल्यूज। इसके तीन मतलब है, तीन शब्द है इस एथोस शब्द के, तीन इंग्लिश मीनिंग है, करेक्टर, कस्टम्स और वैल्यूज। अगर मैं इन तीनों शब्दों को हिंदी में बोलूं तो आई होप आप तीनों का फर्क समझते हो। करैक्टर को हिंदी में बोलते हैं चरित्र, कस्टम्स को हिंदी में बोलते हैं रिवाज, और वैल्यूज को हिंदी में बोलते हैं संस्कार। तीनों शब्दों में आई होप आपको थिन लाइन डिफरेंस भी पता होगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो एथिक्स के लिए वर्ड कॉमनली यूज होता है ना, वो ये यूज होता है, ये वैल्यूज। लोगों के लिए एथिक्स शब्द का मतलब वैसे वैल्यूज होता है, संस्कार। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे को बचपन से सिखाया है चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ कभी गलत नहीं करना। अच्छा, अगर इसका मतलब हम चोरी नहीं करते जो हमारे माँ बाप ने सिखाया, और हम सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, इट मीन्स वी आर बिहेविंग एथिकली, इट मीन्स हम एथिकली बिहेव कर रहे हैं। और लेकिन अगर हमारे माँ बाप ने बोला था चोरी नहीं करनी और हम चोरी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने बोला था किसी के साथ झूठ नहीं बोलना और हम झूठ बोल के ही काम करते हैं, इट मीन्स वी आर बिहेविंग अनएथिकली, हम एथिकली काम नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स वैल्यूज का मतलब होता है संस्कार, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते होंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते होंगे। जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे को बचपन सिखाया चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना वगैरह वगैरह, किसी का मान लो बाप ही चोर है ना, उसका बाप ही चोर है, उसने बचपन बच्चे को, उसका ड्रीम है कि उसका बच्चा उससे बड़ा चोर बने। किसी का बाप ही गैंगस्टर है, उसका ड्रीम है कि उसका बच्चा उससे बड़ा गैंगस्टर बने। तो हमने बोला चोरी करना गलत है, हमारे माँ बाप ने सिखाया अनएथिकल है, क्या पता उसका बाप सिखाता हो तेरे लिए चोरी करना ज्यादा बढ़िया है, तो उनके लिए वो चीज अच्छी है, हमारे लिए वो चीज बुरी है। तो संस्कार भी तो हर घर टू घर वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो पहला शब्द होता है वैल्यूज, दूसरा शब्द है कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब होता है रिवाज। अच्छा, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं रिवाज, जैसे रिवाज भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, जैसे मुस्लिम रिलीजन के अंदर उनका कस्टम है, उनका रिवाज है कि उनकी दो ईद होती हैं, दो तरीके की ईद आती है, एक होती है मीठी ईद बोलते हैं जिसको, एक होती है बकरी ईद, है ना। तो वो बकरी ईद में वो लोग बकरा स्लॉटर करते हैं, अच्छा उनके लिए वो चीज ओके है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी दूसरे रिलीजन की बात करूं, एग्जाम्पल जैन रिलीजन की बात करूं, उन लोगों के लिए ये सब बहुत अनएथिकल है, वो लोग तो बर्दाश्त नहीं करते कि किसी की जान लेना है, किसी को सैक्रिफाइस करना है। गलत मुस्लिम लोग भी नहीं है, गलत जैन लोग भी नहीं है, आपको पता है गलत दोनों नहीं है। अगर आप किसी मुस्लिम से पूछोगे आप लोग ऐसा क्यों करते हो, तो उनके पास उसकी प्रॉपर रीजनिंग होगी।
और अगर आप किसी जैन रिलीजन के बंदे से पूछोगे कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, तो उनके पास उसकी प्रॉपर रीजनिंग होगी। तो वो अपने बिलीफ सिस्टम से चल रहे हैं, उनके हिसाब से वो चीज ओके है, वो अपने बिलीफ सिस्टम चल रहे हैं उनके हिसाब से वो चीज ओके है। गलत कोई नहीं, गलत कोई नहीं। तो मतलब उनका रिवाज है, वो उनका रिवाज है कि ऐसा नहीं करना, उनका रिवाज है ऐसा करना है, दोनों अपनी जगह सही है। दोनों के, जब दोनों रिलीजन के अंदर कुछ सिखाया गया, कुछ बिलीफ सिस्टम है, तो होता होगा उनके हिसाब से, और उसलिए उनको वो चीज गलत भी नहीं लगती है। जिनके हिसाब से जो है उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, कईयों के लिए वो चीज नॉर्मल नहीं है। सेम ऐसे रिवाज भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर आप पंजाब साइड जाओगे तो वहां पे लड़कियां ज्यादातर सूट पहनना प्रेफर करती हैं। ऑन द अदर हैंड आप बहुत सारी स्टेट ऐसी देखोगे जहां पे लड़कियां सूट पहनना प्रेफर नहीं करती, साड़ी पहनना प्रेफर करती हैं। तो वो उनके कस्टम्स हैं, सूट पहनना वो उनके कस्टम्स है, साड़ी पहनना वो उनका अपना रिवाज है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का रिवाज है कि बहुत सारे घरों में लड़कियों को जीन्स पहनना आज भी अलाउड नहीं है, वो उनके घर का रिवाज है, उनकी प्रथा चलती आ रही है। बहुत सारे घरों में चीज कॉमन है। बहुत सारे घरों में लड़कियों को आज भी जॉब पे नहीं भेजते, वो उनका रिवाज है। बहुत सारे घरों में कहते हैं कि चलो ठीक है, भेज देंगे जॉब पे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आता है करैक्टर। करैक्टर का मतलब होता है चरित्र। हम लोग बोलते हैं कि बंदा करैक्टरलेस है। मान लो कोई बंदा फीमेल को छेड़ देता है, या आजकल तो मेल मेल को छेड़ देते हैं, फीमेल फीमेल को छेड़ देती है, मेल फीमेल को छेड़ देते हैं, जमाना बदल गया, हर तरीके का बंदा हर तरीके को छेड़ देता है। तो अगर कोई बंदा किसी को उसकी बिना सहमति के छेड़ रहा है, इट मीन्स हम कहते हैं कि वो बंदा करैक्टरलेस है, उसका करैक्टर सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है। तो अगर वो छेड़ रहा है तो मतलब वो अनएथिकली बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब एथिक्स इन तीनों शब्दों के साथ जुड़ सकता है। मान लो अगर आप अपने रिवाज फॉलो नहीं कर रहे तो मतलब आप अनएथिकली बिहेव कर रहे हो, रिवाज फॉलो कर रहे हो तो आप एथिकली बिहेव कर रहे हो, आपके जो संस्कार दिए गए हैं अगर आप वो ठीक से फॉलो कर रहे हो तो आप एथिकली बिहेव कर रहे हो, जो संस्कार माँ बाप ने दिए अगर आप वो ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो तो मतलब आप अनएथिकली बिहेव कर रहे हो। जो करैक्टर है, चरित्र, जो आपका चरित्र है, अगर आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे, सबको अच्छे तरीके ट्रीट कर रहे, तो आपका चरित्र अच्छा है वरना बुरा है। तो एथिक्स के तीन मीनिंग निकलते हैं, तीन शब्द निकलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म है वो वैल्यूज ही है। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म क्या है? वैल्यूज, यही सबसे ज्यादा कॉमन है। तो आई होप आपको एथिक्स का मेन मतलब क्या होता है समझ आया। अच्छा, एक चीज और निकल कर आती है, एथिक्स और इलीगैलिटी में फर्क। बहुत सारे लोगों को ये फर्क समझ नहीं आता, क्या एथिक्स और इलीगल में कुछ फर्क होता है कि ये चीज एथिकल है, ये चीज इलीगल है? अच्छा, तुमसे कोई बहुत सीधी सी भाषा पूछे, तुमने वैसे एथिक्स समझ लिया कि एथिक्स तीन शब्दों का मतलब है, एथिक्स के तीन मतलब है, करैक्टर, कस्टम, वैल्यूज। मेनली एथिक्स का फोकस संस्कार पे होता है कि अगर हम संस्कारों से चल रहे हैं तो वो चीज एथिकल है, संस्कार फॉलो नहीं कर रहे तो वो अनएथिकल है। लेकिन एथिक्स, तुमसे कोई सीधी सी भाषा पूछे तो व्हाट इज एथिक्स? अगर हम इन तीनों चीजों में चीजें कॉमन देखें तो कॉमन क्या है? तो हम तीनों में एक चीज कॉमन है, राइट और रॉन्ग। हम एक ही चीज चेक कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत। जैसे मैंने भी बताया कि वैल्यूज, संस्कार, माँ बाप ने सिखाया चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अगर हम वो सब, वो हमारे लिए, अगर हम वो सब नहीं कर रहे तो मतलब हमारे लिए राइट है, वो अच्छा है, हम ये सब गलत काम नहीं कर रहे। माँ बाप ने सिखाया चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम फिर भी वो सब काम कर रहे हैं तो मतलब वो रॉन्ग है, हमें वो नहीं करना चाहिए, वो अनएथिकल है। तो जो चीज राइट होगी वो एथिकल होगी, जो चीज रॉन्ग होगी वो अनएथिकल होगी। तो सेम एथिक्स और इलीगल में क्या फर्क है? तो अगर मैं तुमसे कोई सीधी सी भाषा पूछे पहले तो एथिक्स क्या है, तो एथिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हम मेनली यही चेक कर रहे हैं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, साइंस ऑफ राइट और रॉन्ग। एंड ये जो चीज है साइंस ऑफ राइट और रॉन्ग, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हर बंदे के हिसाब से वेरी करती है। अच्छा, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हें एक एग्जाम्पल देके बात करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का। हमने एक बार रोड से गुजर रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड रोड से जा रहे थे, और किसी ने डॉग का, एक पपी होता ना डॉग का पपी, वो इंजर्ड पड़ा हुआ था कोने में इंजर्ड पड़ा हुआ था। और मैं और मेरा दोस्त पेपर देने जा रहे थे, ऑल्दो हमारा पेपर था, हमारे पास पेपर देने में ना सफिशियंट टाइम था, पेपर एक घंटे बाद स्टार्ट होना था, और वो पपी ना चिल्ला रहा था। तो मैंने उस दोस्त को बोला, मैंने कहा यार अभी हमारे पास टाइम भी है, एक काम करते हैं इसको ना डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फटाफट इसको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे ताकि इसको आराम आ जाए, डॉग्स के वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसको आराम आ जाए और ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, दर्द ना हो इसको, और इसको वापस छोड़ देंगे यहीं पे। ये मेरे मन में आया, मेरा दोस्त क्या कहता है, अबे छोड़ चलना, पेपर देने जा रहे हैं, कोई और देख लेगा इसको। उसके मन में नहीं आया, मैं कहूं तो गलत वो भी नहीं है, क्या अगर उसने, अगर उस डॉग की हेल्प नहीं करी तो क्या पुलिस वाले उसको जेल में डाल देंगे?
नहीं, क्या मेरे को अगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा तो पुलिस वाले जेल में डाल देंगे, या मैं उसे हेल्प कर दूंगा तो मेरे को कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा? ऐसा भी नहीं होने वाला। दिल को शांति मिलेगी कि यार मैंने किसी की हेल्प कर दी। तो वो मेरे संस्कार थे, वो उसके संस्कार थे। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो मेरे को सिखाया, जो मेरे को जो फील होता है मैं वो कर रहा था, उसके माँ बाप ने उसको सिखाया जब उसको फील होता वो कर रहा था। अब एक चीज समझो तो, एथिक्स और इलीगल फर्क क्या, क्या सही क्या गलत, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इलीगल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉ के द्वारा मना की गई है। एनीथिंग इलीगल मींस एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब ये लिख लेना जो कि लॉ के द्वारा मना की गई है। ये जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ सब लिख लेना है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है पहले से, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लेना। जैसे पहले जो भी ऊपर एथिक्स की डेफिनेशन लिखवाई वो भी नोट डाउन कर लेना, फिर एथिक्स और इलीगल में क्या फर्क होता है वो लिखवा रहा हूँ। तो इलीगल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लॉ के द्वारा मना की गई है और आप वो काम नहीं करोगे, और अगर आप वो काम करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा जुर्माना, या आपको जेल में भी डाला जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और मैंने एक नोट डाला है यहां पे, एक नोट पढ़वा रहा हूं फिर एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैंने एक नोट डाला है, एनीथिंग विच इज इलीगल विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अनएथिकल। जो चीज इलीगल है वो अनएथिकल भी मानी जाएगी, मगर जो चीज बट एनीथिंग विच इज अनएथिकल मे नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल। मगर कोई चीज अनएथिकल है जरूरी नहीं है कि इलीगल होगी। इसका मतलब यह है जो चीज इलीगल है वो हमेशा अनएथिकल होगी, लेकिन जो चीज अनएथिकल है वो जरूरी नहीं है इलीगल होगी। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मैंने किसी बंदे को 5 लाख रुपए दिए, मान लो मैं ए हूं, मान लो मैंने किसी बी नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए कि भाई तू सी नाम के बंदे का मर्डर कर दे। अच्छा, अगर मैं उसको 5 लाख रुपए दे रहा हूं सी का मर्डर करने के लिए, तो दिस इज इलीगल। क्या ये क्राइम है? क्या लॉ हमारे को किसी का मर्डर करना अलाउ करता है? नहीं। तो क्या ये इलीगल है? यस। क्या ये अनएथिकल भी है? संस्कारों के भी अगेंस्ट है। यस। किसके माँ बाप बोलते होंगे कि जा चोरी और किसी का मर्डर कर दे? अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल भी होगा ना, तो क्रिमिनल बहुत रेयर होंगे। मैं कहता हूं अगर 100% की आबादी वाले देश में 1% क्रिमिनल भी नहीं होते। क्रिमिनल जो होते हैं, हम जो बात करते हैं वो सोसाइटी एज अ होल के हिसाब से बात करते हैं। तो पूरे समाज में ये सिखाया जाता है कि किसी की जान नहीं लेनी, तो किसी की जान लेना इज अनएथिकल। तो अगर कोई बंदे को मैं सुपारी देता हूं कि जा उसका मर्डर कर दे, तो वो इलीगल भी है और अनएथिकल भी है। लेकिन केस टू, मैं मान लो रोड के उस तरफ खड़ा हूं और रोड के उस तरफ एक बंदा और खड़ा है जो कि ब्लाइंड है, और वो बेचारा ब्लाइंड है और वो रोड क्रॉस करना चाहता है, और मैं देख रहा हूं कि वो रोड क्रॉस करना चाहता है लेकिन वो रोड क्रॉस कर नहीं पा रहा ट्रैफिक की वजह से, रोड पे ट्रैफिक बहुत है, और मैं देख रहा हूं वो ब्लाइंड है, स्टिल मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा। तो किसी की हेल्प ना करना इज अनएथिकल बट नॉट इलीगल। क्योंकि इलीगल चीज का मतलब क्या है? जहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगी, या तो आप पे जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा, या आपको जेल होगी। अब मैंने उस बंदे की हेल्प नहीं करी, उसको रोड क्रॉस नहीं करवाई, तो पुलिस वाले मेरे पे जुर्माना थोड़ी लगा देंगे तुमने उसको रोड क्रॉस क्यों नहीं करवाई, या जेल में क्यों नहीं, मतलब पुलिस वाले मेरे को जेल में थोड़ी डाल देंगे कि तुमने उसको रोड क्रॉस क्यों नहीं करवाई। लेकिन क्या ये अनएथिकल है? संस्कारों के अगेंस्ट है? क्या मेरे को उसकी हेल्प करनी चाहिए थी? यस। तो ये अनएथिकल है लेकिन इलीगल नहीं है। केस टू, मान लो मेरे को रोड पे एक बंदा दिख रहा है कि उस बेचारे की हड्डियां दिख रही हैं, पूरी स्किन पूरी चिपकी हुई है, बहुत कई दिन से उसने कुछ खाना नहीं खाया, वो बहुत भूखा है, वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब कुछ खिला दो। मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं लेकिन मैं स्टिल उसकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं उसको खाना नहीं खिलवा रहा। तो दिस इज अनएथिकल बट नॉट इलीगल। किसी भूखे की हेल्प ना करना अनएथिकल है, संस्कारों के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने यह सिखाया कि उसकी हेल्प करो, किसी गरीब बंदे की हेल्प करो, उसकी दुआ मिलेगी, ये सब सिखाते हैं ना माँ बाप। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, दिस इज अनएथिकल। अनएथिकल है लेकिन इलीगल नहीं है। कोई जेल थोड़ी हो जाएगी मेरे को अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। तो इसका मतलब जो चीज इलीगल है वो हमेशा अनएथिकल होगी, लेकिन जो चीज अनएथिकल है वो जरूरी नहीं है इलीगल होगी। बात समझ आ गई जी? तो आई होप आपको एथिक्स और इलीगल में फर्क समझ आया होगा। अब एक शब्द और आता है, एथिक्स और मोरालिटी। एथिक्स और मोरालिटी, पहले एथिक्स शब्द क्या था तुमने लिख लिया होगा। तो एथिक्स वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से एथोस, जिसके मतलब तीन होते हैं, करेक्टर कस्टम वैल्यू। तीनों का हिंदी मतलब क्या होता है आपने वो भी लिख लिया। करेक्टर मीन चरित्र, कस्टम मतलब रिवाज, वैल्यूज मतलब संस्कार। फिर नेक्स्ट हमने ये समझा कि जी एथिक्स और इलीगैलिटी में क्या फर्क होता है। तो जो हमने पढ़ा, जो चीज एनीथिंग विच इज इलीगल विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अनएथिकल। जो इलीगल है हमेशा अनएथिकल मानी जाएगी, बट एनीथिंग विच इज अनएथिकल मे नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल। लेकिन जो चीज अनएथिकल है वो जरूरी नहीं है इलीगल होगी। तो एथिक्स और इलीगैलिटी में फर्क समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस। बड़ा मजा आने वाला है, ये सुनना बड़े ध्यान से क्या है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस। अच्छा,
एथिक्स और मोरालिटी ना लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कई बार हम बोलते हैं चीज अनएथिकल है, कई बार हम बोलते हैं चीज इमोरल है, और बहुत सारे लोगों को ना ये चीज सेम ही लगती है कि अनएथिकल और इमोरल, मतलब जैसे ना हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। लेकिन क्या एथिक्स और मोरालिटी में भी कोई फर्क होता है? तो यस, बिल्कुल होता है। अब हम एथिक्स और मोरालिटी के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले तो वो ये बता रहा है कि एथिक्स और मोरालिटी दोनों डील तो राइट और रॉन्ग में करते हैं, कि मतलब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एथिक्स भी ये चेक करता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो चीज सही है जैसे झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना किसी के साथ, अगर हम वही कर रहे हैं तो वी आर बिहेविंग एथिकली, और जो चीज गलत है और हम फिर भी वो कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल किसी को झूठ नहीं बोलना लगे हम झूठ बोल रहे हैं, इट मींस वी आर बिहेविंग अनएथिकली। तो या इसे इमोरली भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजों का मतलब सेम ही है, राइट और रॉन्ग चेक करना। लेकिन फिर फर्क कहां है? तो यहां पे लिखा है, देखो, एथिक्स एंड मोरालिटी बोथ रिलेट्स टू द राइट और रॉन्ग कंडक्ट, बट देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग, दीज टू टर्म्स। एथिक्स वर्ड इज यूज्ड इन केस ऑफ सोसाइटी, ऑन द अदर हैंड मोरालिटी वर्ड इज यूज्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल। मोरालिटी शब्द का फोकस खाली इंडिविजुअल पे होता है और एथिक्स शब्द का फोकस सोसाइटी पे होता है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, माँ बाप ने बोला चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये एक बंदे को बोली जा रही है बात, लेकिन स्टिल मैं झूठ बोल रहा हूं, स्टिल मैं चोरी कर रहा हूं, इट मीन्स आई एम बिहेविंग इमोरली नॉट अनएथिकली। जो हम अनएथिकल शब्द यूज करते हैं ना, वो गलत है, इसको हम इमोरल बोलेंगे, अनएथिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इमोरल। तो एथिक्स वर्ड अनएथिकल वर्ड कहां यूज होगा? एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा कभी, बुल फाइटिंग, सुना है? बुल फाइटिंग एक स्पोर्ट माना जाता है, बहुत फेमस स्पोर्ट है, जहां पे दो बुल्स को आपस में लड़वाया जाता है स्पेन में। और यहां पे क्या होता है, दो बुल जब आपस में लड़ते हैं तो कई बार एक बुल की डेथ हो जाती है इसके अंदर। हमारे इंडिया में बुल फाइटिंग को अनएथिकल माना जाता है, लेकिन स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग को एथिकल माना जाता है। इंडिया में बुल फाइटिंग को अनएथिकल माना जाता है, लेकिन स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग को एथिकल माना जाता है। बात क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यहां पे हम किसी बंदे की बात कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी एज अ होल की बात कर रहे हैं, यहां पे हम पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं बुल फाइटिंग स्पेन में, किसी बंदे के लिए नहीं बोल रहा, मतलब ओके मानी जाती है तो मतलब वो एथिकल है। तो एथिक्स शब्द वहां यूज होगा, यहाँ पे पूरी सोसाइटी की बात हो रही है, लेकिन इंडिया में वो अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि एक बुल मर जाता है तो वो अनएथिकल है, तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। लेकिन मैंने बोला चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वो हमारे माँ बाप ने हमारे को सिखाया, तो वहां पर मेरे बंदे के हिसाब से बात हो रही है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं इमोरली बिहेव कर रहा हूं, वो सिंगल बंदे के हिसाब से बात हो रही है, सोसाइटी एज अ होल के हिसाब से बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे पूरी कंट्री के हिसाब से बात हो रही है। अच्छा, वैसे इंडिया में भी एक वैसे एक बहुत फेमस तमिलनाडु में एक स्पोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट कई बार बैन कर चुका है, जल्ली काटू नाम है आई थिंक उसका। इसके अंदर क्या होता है कि आसपास लोग घेरा बना लेते हैं और एक वो बुल भागने की कोशिश करता है, एक बंदा उस बुल को उसके ऊपर चढ़ के खींचने की कोशिश करता है कि ताकि वो बुल आगे ना भागे, और बुल को वो अपनी पावर दिखाता है वो बंदा, ताकि बुल ना जाए, और बुल तो अपनी पावर दिखा ही रहा भागने के लिए। तो इसमें कई बार बंदा भी मर जाता है, कई बार बुल भी मर जाता है, दोनों चीजें हो जाती है, बहुत ज्यादा फोर्स को लगा दी तो ऐसे केस में भी किसी की डेथ होती है। तो इंडिया में इसको अनएथिकल माना जाता है और इलीगल भी माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इवन बैन भी कर दिया था इसको, लेकिन स्टिल आज भी कुछ लोग उसको फेस्टिवल को मनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन कर रखा। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको इसके बारे में मिलेगा, मैं दिखाता हूं तुम्हारे को, ये रहा जली काटू का, अगर हम विकिपीडिया निकालें, विकिपीडिया ये लो जी पढ़ो, जली काटू इज अ ट्रेडिशनल इवेंट, एक ट्रेडिशनल इवेंट है इन विच अ बुल सच एज उसका नाम दिया हुआ, अलग अलग कैटेगरी के ब्रीड्स के बुल होते हैं, इज रिलीज इनटू अ क्राउड ऑफ पीपल, उस बुल को क्राउड में छोड़ दिया जाता है, एंड मल्टीपल ह्यूमन बहुत सारे लोग उसको खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ऑन द हैम्प उसको यूं पकड़कर, इसके ऊपर चढ़कर उसको यूं खींचते हैं आगे, उसका जो बुल के सर और सिंग होते हैं उसको पकड़कर खींचते हैं अपने दोनों हाथ से, एंड ताकि वो बुल, और बुल अपनी तरफ से क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं भग सकूं, और वो उसको खींच रहे हैं, और पार्टिसिपेंट उसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल जब तक उसको होल्ड करते हैं तब तक उसे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। कई बार केसेस के अंदर नीचे देखो यहाँ पे बता रहा है, लास्ट में नीचे की तरफ पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पे बैन कर दिया था ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, है ना, और हाउएवर कुछ प्रोटेस्ट हुए,
इस बैन के अगेंस्ट और 2017 में एक न्यू ऑर्डिनेंस पास की गई ताकि ये स्पोर्ट वापस कंटिन्यू हो, लेकिन इसको बैन कर दिया गया था। वैसे 17 में ऑर्डिनेंस पास करके इसको वापस कंटिन्यू करवाने के लिए अलाउ कर दिया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, लेकिन स्टिल वैसे ही बैन था। और इसमें देखो कई बार क्या हो रहा है, इंजरी और डेथ हो जाती है स्पोर्ट्स से, किसको, बोथ को, मतलब एनिमल्स को भी हो जाती है और इंसानों को भी हो जाती है, किसी को भी हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो यहाँ पे हम ऐसे केस में ना, हम पूरे पूरे इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर स्टेट को फोकस करें तो यहाँ पे हम पूरी स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहे। दैट इज ऑल्सो एथिक्स में आएगा, वो भी एथिक्स में आएगा कि एथिकल है अनएथिकल है। तो जहां पे हम किसी पूरी कंट्री को या किसी पूरी स्टेट को या किसी पूरी सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी चीज को हम एथिक्स वर्ड यूज करते हैं इनके आगे, अगर वहां पे गलत हो रहा है तो। और जहां पे हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस करके बात करते हैं कि बंदे ने ये काम नहीं करना चाहिए था फिर भी कर दिया, तो हम बोलेंगे कि वो इमोरल काम करा उसने, ये नहीं करना चाहिए करते बंदे के हिसाब से। अगर हम बोले इस कंट्री को ये काम नहीं करना चाहिए तो कंट्री ने ये काम कर दिया, तो हम बोलेंगे उस कंट्री ने अनएथिकल बिहेव करा है। तो कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए वर्ड यूज एथिक्स होता है, दोनों का मतलब सेम ही है, एथिक्स और एथिक्स और मॉरालिटी का मतलब सेम ही है, दोनों का फोकस संस्कार पे ही है। बस फर्क क्या है कि एथिक्स वर्ड सोसाइटी एज अ होल के लिए यूज होता है और मॉरालिटी वर्ड इंडिविजुअल के लिए यूज होता है, बस यही फर्क है। तो एथिक्स और मॉरालिटी शब्द में क्या फर्क है आपको ये भी समझ आ गया जी, ये भी आप लोग लिख लोगे। एथिक्स और मॉरालिटी, एथिक्स मॉरालिटी आप लोग लिख लिया होगा, इसमें एथिक्स और क्या कहते हैं इलीगैलिटी में मैंने फर्क बताया था, ये रहा, ये भी आपने लिख लिया होगा, और एथिक्स क्या होता है वो भी आपने लिख लिया होगा आई होप, और सबसे लिख लिया होगा, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो लिखते चले आ रहे होंगे। और अब जो मैं तुम्हारा कराने जा रहा हूँ वो करवाने जा रहा हूँ बिजनेस एथिक्स। अब मैं तुम्हें क्या कराने जा रहा हूँ, बिजनेस एथिक्स मेरा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा मेन फोकस इस चैप्टर में बिजनेस एथिक्स पे होगा। तो बिजनेस एथिक्स समझने से पहले एथिक्स समझना जरूरी था ना। बिजनेस एथिक्स सिंपल है कि क्या हम अपने एथिक्स को बिजनेस कल्चर में भी अप्लाई करते हैं। हम घर, अभी तक तो हम बात कर रहे थे ये घर में अप्लाई करने की बात, कि हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये घर के एथिक्स हो गए। क्या बिजनेस में भी एथिक्स होते हैं? यस होते हैं, कि हम किसी जाति का भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी को, अच्छा जैसे मान लो मेरी कंपनी है तो क्या मैं ऐसा रूल बना दूं कि हम खाली लड़कों को रोजगार देंगे लड़कियों को रोजगार नहीं देंगे, या मैं ऐसा रूल बना दूं खाली लड़कियों को रोजगार देंगे अपनी कंपनी में, खाली लड़कियों को जॉब देंगे लड़कों को नहीं देंगे, या मैं ऐसा रूल बना दूं गोरे लोगों को रोजगार देंगे काले लोगों को रोजगार नहीं देंगे। अगर मैं ऐसे कोई भेदभाव कर रहा हूं तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? क्या आई एम बिहेविंग इमोरली? यस, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अनएथिकल है, इमोरल है, ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे पूरी कंपनी एज अ होल हो रही है और कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए हम वहां पे वर्ड एथिक्स यूज कर रहे हैं, एज अ सोसाइटी यूज कर रहे हैं, और ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब एग्जाम्पल हम कंपनी के अंदर लोगों को बहुत कम पे कर रहे हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मार्केट में, हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उसको लोगों को पैसे की जरूरत है, लेकिन हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, हम निकाल देंगे तो उसको कहीं और काम मिलेगा नहीं, हम उसकी सैलरी वो डिजर्व करता है 50,000, हम उसको दे रहे हैं खाली 10,000। ये तो इंडिया में बहुत होता है, लेकिन दिस इज अनएथिकल, ये गलत है। मगर हम तो ये सब सोचते ही नहीं ना, हम तो ये सोचते हैं चल छोड़ साला कर रहा है ना, करने दे हमें क्या, दिस इज रॉन्ग। तो इट मीन्स अनएथिकल जो है वो खाली घरों में नहीं होता, कंपनीज में भी होता है। अभी हम और भी एग्जांपल देंगे, मैं तुम्हारे को बहुत सारे अनएथिकल के एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले हम बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन समझते हैं क्या है, क्या कहता है ये, फिर इसको बुक से पढ़ेंगे। अभी ये बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन पढ़ो गाइस बुक से, मैंने सिंप्लीफाइड वर्डिंग में लिखी है, इसको नोट डाउन कर लेना, फिर इसके एग्जांपल दूंगा बढ़िया बढ़िया। क्या कहता है बिजनेस एथिक्स, जरा पढ़ना। बिजनेस एथिक्स इज अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है जो कि कंपनी में फॉलो की जाती है, दैट डिटरमाइंस व्हाट इज राइट और रॉन्ग एंड अप्रोप्रिएट इन द व्हाट इज राइट रॉन्ग एंड अप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस। मतलब बिजनेस एथिक्स एक ऐसी प्रैक्टिस में हम ये चेक करते हैं कि ये बिजनेस के अंदर अगर हम ये चीज करेंगे तो ये सही है, ये गलत है और ये अप्रोप्रिएट है, इसी तरीके से करनी चाहिए वरना नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल नीचे बता रहा है, बिजनेस एथिक्स इज ऑफन गाइडेड बाय लॉज एंड दीज प्रिंसिपल्स कीप अवे कंपनी इंडिविजुअल्स, कीप अवे मतलब पीछे कर देता है फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी इलीगल एक्टिविटी सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ब्राइबरी एटसेट्रा। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक कंपनी के अंदर हूं, मैं एक कंपनी का कैशियर हूं, मान लो मैं कंपनी के अंदर रोज कुछ ना कुछ पैसे की गड़बड़ी घोटाला कर देता हूँ, ओवर बिलिंग करवाता हूँ। मान लो कंपनी ने मेरे को अलाउ कर रखा है कि कंपनी के बिहाफ पे चीजें आप परचेज करोगे, अब मैं मान लो कोई चीज परचेज कर दो 10,000 की, सामने वाले बंदे को बोलते तो बिल बना दे इसका 15,000 का, 5,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए, उससे बिल 15,000 बनवा लिया, कंपनी को दिखाया कि चीज 15,000 की आई है, एक्चुअल में 10 की थी, 5,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? यस। सेम मान लो मैं कंपनी के अंदर बैठा हूं, मैं किसी दूसरे बंदे को ब्राइब दे रहा हूं, रिश्वत दे रहा हूं
कि आप हमारे लिए एक काम कर दो, आपको इतनी रिश्वत देंगे, जो चीज लीगली करना अलाउड नहीं है, दैट इज गलत काम है। डिस्क्रिमिनेशन, वो जो तुम्हारे को मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं कंपनी के अंदर रहता हूं, मैं पॉलिसी बना रहा हूं, मेल लोगों को रोजगार देंगे, फीमेल लोगों को रोजगार नहीं देंगे, गोरे लोगों को रोजगार देंगे, काले लोगों को रोजगार नहीं देंगे, ऐसी हम पॉलिसी बनाते हैं, इस रिलीजन, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को रोजगार देंगे, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये सब करना अलाउड नहीं, ये सब हमारे बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट है। इनसाइडर ट्रेडिंग, आई होप आपको समझ आता होगा इनसाइडर ट्रेडिंग करना। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, मैं अपनी कंपनी के अंदर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी और को बता रहा हूं और सामने वाला बंदा उसके बेस पर ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मान लो मेरी कंपनी आज से 4 महीने बाद किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है। अच्छा, जैसे कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी मर्ज होने वाली होती है, जैसे ही खबर आती है मार्केट में, तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है। अच्छा, मेरे को पता है कि ये चीज अभी मेरे पास इंटरनली है, लोगों को नहीं पता है बात की मर्ज होने वाली है, मैंने पहले ही उस कंपनी के बहुत सारे सस्ते दामों पर शेयर खरीद के रख लिए क्योंकि मेरे को खबर अंदर की पता लग गई है। फ्यूचर में जैसे ही ये बात मार्केट में आएगी कि मर्जर होने वाला है, एकदम से शेयर का प्राइस बढ़ेगा और मैंने वो सारे शेयर ले रखे हैं सस्ते रेटों में, मैं सारे बेच के भग लूंगा वहां से। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी करना अलाउड नहीं है, इसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी अंदर के बंदे ने अंदर की खबर बाहर दे दी, मान लो मेरी कंपनी इस बार ज्यादा डिविडेंड देगी पहले के कंपैरेटिव में, ये बात मेरे को पता लगी, मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, मैंने अपने बंदों को फोन कर दिया कि भाई इस बार ज्यादा डिविडेंड आने वाला है, इस कंपनी के सारे शेयर खरीद लो। अच्छा, हमने खरीद लिए, डिविडेंड ज्यादा आने वाला है, उसकी न्यूज आ गई और सारे लोगों ने बहुत हैवी लेवल पर शेयर ले रखे, सबको बहुत हैवी अमाउंट का डिविडेंड मिला, तुम सबने प्रॉफिट कमाया। अच्छा, इससे बच्चा बोलता है इसमें गलत क्या, गलत ये है कि अगर हम ये ना बताते, ये बात अंदर की बात ना बताते, तो जो ऑनेस्ट तरीके से इतने सालों से शेयर होल्डर करके बैठे हैं, जो नॉर्मल तरीके से मेहनत करके सर्च रिसर्च करके उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, उनको वो फायदा मिलता, लेकिन हमने ही सारे खरीद लिए अंदर की खबर के बेस पे, तो सारा फायदा हम ही ले गए जिनको भी 10, 12, 15 दिन पहले खबर मिली। तो ये चीज है, तो ये सब चीजें अनएथिकल, हमें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्लस अगर इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है बिजनेस एथिक्स का, कि हमें अपनी कंपनी के अंदर इस तरीके के मेजर्स लेने चाहिए कि हम इन तीन चीजों का ध्यान रखें, इन तीन चीजों का ध्यान रखें, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक। अगर कोई भी कंपनी ये तीन फंडों पे चल रही है ना, इसका मतलब वो कंपनी गुड है। अच्छा, एनवायरमेंटल मतलब इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, लाइक हमें इस तरीके से अपनी कंपनी को, फैक्ट्री को चलाना चाहिए कि हम एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करें, हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सोशल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कि हमें समाज का भला करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए आज की डेट में तो कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी सेक्शन भी है, सेक्शन 135 कंपनी एक्ट का, सीएसआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, सीएसआर। अच्छा, ये क्या कंसेप्ट है, अच्छा कोई भी कंपनी ग्रो होती है समाज के अंदर, तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस समाज के प्रति वो भी कुछ उनकी हेल्प करे, जिसके लिए कंपनी लॉ में आज के डेट में इसका एक सेक्शन आया 135, और ये सेक्शन 135 ये बोलता है कि जो भी कंपनी, उसमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जिस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, वहां पे तीन क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तीन क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर किसी कंपनी का इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है, तो उस कंपनी को अपने पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना कंपनी लॉ में एक शेड्यूल 7 बताया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज बताई हुई है कि आप इन इन जगह पे पैसा लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है कि आप इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, आप भुखमरी दूर करने, गरीबी दूर करने के लिए वो पैसा डोनेट कर सकते हो लोगों को, है ना, प्रोवाइडिंग फूड टू हंग्री पीपल, आप आसपास के लोगों को खाना खिला सकते हो,
पीपल प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू नीडी पीपल, नीडी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना एटसेट्रा। ये सब बहुत सारे शेड्यूल्स सर बताई गई। तो अगर कोई कंपनी पैसा कमा रही है तो लॉ, और वो सीएसआर के अंदर फॉल कर गई सेक्शन 135 में, तो लॉ कहता है उनको अपने 2% प्रॉफिट का कहां कंट्रीब्यूट करना है, सीएसआर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना है। तो मान लो अगर किसी कंपनी का 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 3 साल का मिलाकर, क्योंकि वो 2% ना एवरेज नेट प्रॉफिट का लेना होता है, 3 साल की एवरेज नेट प्रॉफिट का। मान लो उस कंपनी का 2 साल 2% प्रॉफिट निकल के आ रहा है 100 करोड़, मतलब या एग्जाम्पल की बात करें तो उनका टोटल प्रॉफिट 1000 करोड़ निकल के आ रहा था, उसका 2% हो गया 20 करोड़, तो उनको कंट्रीब्यूट क्या करना है, सीएसआर एक्टिविटी में या डोनेट करना है। इसका मतलब आप जिस समाज में आपने ग्रोथ ली है आप उस समाज का भला कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड सोशल एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा एक बात बताओ, कोई लॉ बोलता है कि भाई आप अपना भी तो भला सोचो? देखो कोई कंपनी अगर अपना ही नहीं भला सोच पाएगी तो लोगों को कैसे सोचेगी? इकोनॉमिकल अपना भी भला सोचो, मनी की फॉर्म में अपना भी भला सोचो कि आप मैक्सिमम, आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करोगे, आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करोगे, आप अपना भी भला सोचो, खाली लोगों का मत सोचो, आप अपना भी भला सोचो। देखो सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी अगर समाज में बनी है, कोई भी कंपनी अगर समाज में बनी है तो वो समाज के साथ पहले, समाज का सोचने से पहले अपना सोचेगी। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका खुद का पेट भरा होगा ना तब आप किसी दूसरे की हेल्प करने की सोचोगे, आपका खुद का पेट खाली है ना तो आप पहले किसी और की हेल्प में सोचोगे, पहले सोचोगे अपने आप का पेट कैसे भरो, सच्चाई यही है। तो कोई कंपनी अगर खुद फाइनेंशियली रिच नहीं है तो वो किसी और की हेल्प कैसे करेगी, पहले ये खुद अपने आप को स्ट्रांग करेगी, तब तो ये सोशल फैक्टर पे आएगी कि समाज का भला करें, और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर पे आएगी कि आसपास के एनवायरमेंट को भी देखें कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं, किसी का नुकसान ना हो। और इसके लिए तो बहुत दिक्कत है, ये पॉल्यूशन वाली तो इंडस्ट्री बहुत गलत है। इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पोल्यूशन को सीरियस लेती ही नहीं है। आई होप आपने कभी नाम सुना होगा, कभी सुना है? एक इंडस्ट्री होती है जिसको हम बोलते हैं टैनरी इंडस्ट्री, सुना है? टैनरी इंडस्ट्री कहा जाता है। टैनरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? ये वो इंडस्ट्री होती है जहां पे एनिमल्स की स्किन काटकर लेदर बनाया जाता है। ये वो इंडस्ट्री है जहां पे एनिमल्स की स्किन काटकर कहां क्या बनाया जाता है, लेदर बनाया जाता है। और ये इंडस्ट्री ज्यादातर गंगा रिवर के आसपास है, कानपुर की साइड में ज्यादा है। अगर मैं तुम्हारे को गूगल में दिखाऊं इसके बारे में तो ये टैनरी इंडस्ट्री इतनी खतरनाक है, मैं बताता हूं क्या है। पहले तो एक दिखा देता हूं कुछ किस तरीके की होती है। ये देखो ये सारी टैनरी इंडस्ट्रीज हैं। ये देखो ये खड़ा हुआ बंदा, इमेजेस देखो, ये सारा गंदा पानी है, इसके अंदर एनिमल्स की स्किन काट कर लेदर बनाया था कुछ इस तरीके से। और ये जितना गंदा पानी है कई प्रोसेस में क्लीन होती है, लेदर बन के आती है बाहर। और ये जितना गंदा पानी है ना सब रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जो आसपास रिवर होती है ये सारा कनेक्शन वहां से होता है और सारा पानी रिवर में छोड़ दिया जाता है। जैसे तुम्हारे घर का गटर, तुम्हारे घर का जो टॉयलेट वगैरह का पानी होता है सब सीवेज में जाता है ना, सीवर वगैरह में जाता है, सेम ये वाला सारा पानी वो रिवर में छोड़ देते हैं। अब इससे दिक्कत पता है क्या होती है, कहा जाता है, एक चीज कही जाती है, क्या कही जाती है कि वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्री, एक चीज कही जाती है कि वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्री वॉटर डिस्चार्ज फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्री इज 10 times डेंजरस देन नॉर्मल सीवेज वॉटर। कहा जाता है कि जो पानी टैनरी इंडस्ट्री से निकलता है वो गटर के पानी से भी 10 गुना ज्यादा डेंजरस होता है। मतलब गटर का नाली के पानी में साला कितना गंद जाता है, ये कह रहा है कि उससे भी 10 गुना डेंजरस पानी होता है टैनरी इंडस्ट्री का, जो हम कहां छोड़ देते हैं, रिवर में छोड़ देते हैं।
सोचो कितना एसिडिक पानी होगा जो पानी में लिविंग इनहेबिटेंट्स है, पानी के अंदर जो लिविंग इनहेबिटेंट्स है, लिविंग इनहेबिटेंट समझ आते हैं जो पानी के अंदर प्रजातियां रहती हैं, एग्जाम्पल फिशीज हो गई, डक्स हो गई, ट्रीज भी होते हैं कुछ पानी के अंदर, पानी के अंदर पेड़ होते हैं, ये सब खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे अगर ये सब चीजें गई तो, अगर इतना गंदा पानी वहां गया। इसके लिए इंडिया में एक रूल है कि सरकार बोलती है कि जो भी इंडस्ट्री, जो भी कंपनी टैनरी इंडस्ट्री में डील कर रही है, उनको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना पड़ेगा। उन्हें क्या लगवाना पड़ेगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, इस प्लांट का लॉजिक क्या होता है, इस प्लांट का काम क्या होता है? इस प्लांट का काम ये होता है कि जो ये गंदा पानी है इसको क्लीन करेगा ये, उसके बाद रिवर में छोड़ेगा। मगर ये प्लांट की ना कॉस्ट बहुत महंगी है, 80 लाख रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक के प्लांट आते हैं, तो बहुत सारे लोग ना इतना महंगा प्लांट है लगवाते ही नहीं है इसको क्लीन करने के लिए। सोचते हैं छोड़ साला, जमुना में छोड़ दे, ये गंगा में छोड़ दे, नदी में छोड़ दे, क्या फर्क पड़ रहा है। तुम समझो कि तुम अपनी पृथ्वी को कितना खराब कर रहे हो अपनी, और यही पानी बाद में क्लीन होकर हमारे पास आएगा जो कि ढंग से क्लीन हो नहीं पाएगा, तो दिक्कत तो है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर बिहेविंग अनएथिकली, हम समाज का नहीं सोच रहे। तो वो कहता है कोई भी कंपनी अगर अच्छे तरीके से समाज में चलना चाहती है तो उसको तीनों चीजों को सोचना पड़ेगा, एनवायरनमेंट का भी सोचना पड़ेगा, समाज का, आसपास के लोगों का भी सोचना पड़ेगा, और अपना तो सोचना पड़ेगा, खुद का प्रॉफिट सोचोगे तो। ये तीन फैक्टर अगर ध्यान रखेगी कंपनी, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंट, इसका मतलब वो कंपनी इन तीनों फैक्टर को ध्यान रखते हुए काम करे, इसका मतलब वो बिजनेस एथिकली बिहेव कर रही है, वो बिजनेस के अंदर एथिकली बिहेव कर रही है, स्ट्रॉन्ग तरीके से बिहेव कर रही है, और वो कंपनी ग्रो भी करेगी। अगर कोई कंपनी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रही है तो हो सकता है कि वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रही हो, लेकिन अगर वो ये फैक्टर का ध्यान नहीं रख रही तो लॉन्ग रन में वो गिरेगी जरूर। ऐसी कंपनियों की मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं होती जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स हमने पढ़ा जी, बिजनेस एथिक्स सिंपल सी भाषा में एक ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम ये देखते हैं कि बिजनेस के अंदर हमें ये देखना है कि बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है। हमें किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कोई रिश्वत लेके ब्राइब नहीं करनी चाहिए, किसी को रिश्वत देनी नहीं चाहिए, किसी से लेनी नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर। तो अगर हम ये सब फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बिजनेस एथिक्स प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और हम अपने वर्क प्लेस को अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम ऑफिस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, वो भी बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, हम किसी को सेक्सुअली हरास नहीं कर रहे, वो सब किसका पार्ट है? हम सबको प्रॉपर, अच्छा बिजनेस एथिक्स में और क्या चीज आ सकती है? सेक्सुअल हरासमेंट आ सकती है, और क्या क्या आ सकता है बिजनेस एथिक्स के अंदर? प्रॉपर वेजिस पे करना, जिस बंदा जो जितना पैसा डिजर्व करता उसको उतने सैलरी देना, वो सब भी किसका पार्ट है? बिजनेस एथिक्स का ही पार्ट है। तो ये सब आपका मैंने बेस बनवा दिया। बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन भी लिख लेना, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, तुम्हारे स्टडी मैट में जो दी हुई है थोड़ी सी भारी है, तुम चाहो तो पेपर में वाली भी लिख के आ सकते हो। कोशिश पहले स्टडी मैट वाली वर्डिंग वाली करना, लेकिन स्टिल ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, तुम्हारा एक बेस बनवा दिया। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स मोरालिटी क्या होती है, एथिक्स और इलीगल में फर्क क्या होता है, ठीक है जी, और बिजनेस एथिक्स क्या होता है, सबके बारे में हमने समझा। अब बुक से पढ़ना शुरू करेंगे इसको, ठीक है जी, अब बुक से पढ़ते हैं। अब बुक से पढ़ रहे हैं, अब तुम्हें ना चीजें ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। अगर मैं सीधा बुक से पढ़ाना शुरू करता ना, तुम्हारा स्टडी मैट की जो वर्डिंग है, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि तुम एथिक्स में उन्हीं की तरीके की वर्डिंग लिखो, तुम एज इट इज तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन बीच में उन्हीं के कीवर्ड यूज करो, इसलिए मैंने एज इट इज उनकी वर्डिंग डाली है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये इतने घटिया तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ था उन्होंने इसको, कि अगर मैं सीधा इसको पढ़ाना शुरू करता तो तुम्हें पल्ले ना पड़ता। मैंने तुम्हारे को पहले एथिक्स क्या होता है वो समझाया, एथिक्स और मोरालिटी में फर्क बताया, एथिक्स और लीगैलिटी में फर्क बताया, फिर बिजनेस एथिक्स क्या होता है वो समझाया, तब हम आ गए भाई हाँ आए हैं। और ये तो शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं, एथिक्स एथिक्स तो बाद में बता रहा है, पहले बता रहा है बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बताओ तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ये चैप्टर ना एथिक्स का जो चैप्टर है, मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, तो इसका हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं। इसमें पहला आता है एथिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या बोलता है, पहले बिजनेस एथिक्स बता रहा है, कह रहा है बिजनेस एथिक्स एक एसेंशियल स्किल है जो आज के लिए एथिक्स, जैसे हम जैसे कहते हैं ना बिजनेस के अंदर पैसा जरूरी है, बिजनेस के अंदर मशीनरी जरूरी है, सेम मैन पावर जरूरी है, सेम उसी तरीके से एथिक्स भी जरूरी है। उधर इंसान काम करते हैं लेकिन संस्कार से काम नहीं करते, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को गाली गलौज करते हैं, टाइमली पेमेंट नहीं देते, तो वो
काम तो कर रहे हैं लेकिन एथिकली नहीं कर रहे, तो वो कह रहे हैं ये एक बहुत जरूरी स्किल है कि एथिक्स भी होना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नाउ हैज अ बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, टेक्नोलॉजी कंपनी, डिजिटल कम्युनिकेशन कंपनी, बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम बनाती है, रेडी करती है कि भाई हम इस तरीके से एथिक्स को फॉलो करेंगे। पॉलिसीज बनी होती है वहां पे कि भाई अगर हमारी कंपनी के अंदर अगर आपने फीमेल एम्प्लॉय को छेड़ दिया या आपने हमारी कंपनी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो आप हमारे पास कंप्लेंट करो, हम एक्शन लेंगे। तो प्रॉपर एथिक्स को लेकर प्रोग्राम्स बने हुए हैं। अगर हमारी कंपनी में अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, हमारी कंपनी में किसी के साथ अंडर पे पे किया जा रहा है, अगर किसी एम्प्लॉय को ये बात पता लग रही है या हमारी कंपनी में कोई बंदा ब्राइब लेता दिख रहा है आपको, तो आप हमारे पास कंप्लेंट करो, हम एक्शन लेंगे। तो आजकल बड़ी बड़ी कंपनी ये सब पॉलिसीज बनाती है इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए। और कह रहा है एथिक्स इसलिए जरूरी है ताकि इससे कंपनी की सक्सेस इंटरनली बहुत ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, जो कंपनी एथिकली बिहेव करती है क्या वो सक्सेस वाइज ग्रो होती है? अच्छा, मैंने तो मतलब बिजनेस एथिक्स में तीन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने बोला ना एथिक्स मतलब बिजनेस एथिक्स में तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो पैसा खुद कमाओ, सोसाइटी का ध्यान रखो, एनवायरमेंट का ध्यान रखो। जिसका बेस्ट एग्जांपल है टाटा ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की एक बहुत खासियत है, रतन टाटा जी की बहुत रिस्पेक्ट है। टाटा ग्रुप हो गया, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, इन सब ग्रुप्स की खासियत है कि ये लोग अपना पैसा तो कमाते हैं, आसपास के समाज में सोसाइटी के लिए ये डोनेशंस बहुत देते हैं, लोगों का वेलफेयर बहुत करते हैं। टाटा के तो कैंसर हॉस्पिटल चल रहे हैं, टाटा दुनिया जहान के लिए, दुनिया हर चीज में इनकी डोनेशंस कॉन्ट्रीब्यूशन है ही है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कमाने के अलावा समाज का भी सोच रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एथिकली बिहेव कर रहे थे, इनकी समाज में इनकी सक्सेस और ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है। अब बताता है जी एथिक्स है क्या, अब यहां पे आते हैं। कहता है जी बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि कोई भी बिजनेस जो ग्रो होता है वो समाज में ग्रो होता है। अगर समाज में बिजनेस, अगर बिजनेस एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी समाज का ही एक हिस्सा है, अगर समाज वाले उस बिजनेसमैन से सामान ही नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? एंड नो बिजनेस कैन सस्टेन इन द लॉन्ग रन इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज। आ गई बात। तो अगर आप कोई भी बिजनेस समाज से ग्रो हो रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि कल को आप लॉन्ग रन में ग्रो हो रहे हो तो आप समाज का भी भला सोचो, जिसको हम वो बोलते हैं सोशल एस्पेक्ट, सोशल वेलफेयर भी सोचना। मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी कंपनी अगर समाज में ग्रो हो रही है तो खाली आप अपना मत सोचो, समाज का भी सोचो, जिसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। आप आसपास के पॉवर्टी दूर करने के लिए मेजर्स लो, आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ, आप उनको भूखमरी पड़ रही है तो आसपास के लोगों को फूड दो, आप अपने साथ साथ समाज का भी भला सोचो। लेकिन आप नो बिजनेस कैन सस्टेन द लॉन्ग रन इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज, मतलब आप खाली अपना फायदा सोचोगे, समाज का नहीं सोचोगे, तो लोगों को धीरे धीरे रियलाइज होने लग जाएगा कि यार हमने इस समाज में इस कंपनी को इतनी सपोर्ट करी, हमने इनसे सामान खरीदा, अगर तुमसे वो कंपनी के लोग मतलब आसपास के समाज के लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस ग्रो कैसे होगा, और ये बिजनेस हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। इंडिविजुअल वैल्यूज परकोलेट इन टू द, परकोलेट का मतलब होता है स्प्रेड इन टू द सोसाइटी एंड टर्न इन टू सोशल वैल्यूज विच इन टर्न आर अडॉप्टेड बाई कॉर्पोरेट। ही रुक जाओ, कह रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो जो उधर जो संस्कार फॉलो होते हैं वो कह रहा है शुरुआत उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज से होती है, मतलब हमारे घर से ही होती है। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे जो माँ बाप ने हमारे को संस्कार दिए हैं वही संस्कार तो हम जाकर कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे, और वही संस्कार जब हम कंपनी में जाकर इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई ये कंपनी अच्छे तरीके से वर्क करती है। अच्छा, रतन टाटा जी के माँ बाप ने उनको संस्कार अच्छे दिए होंगे तो उनके वो एथिकल वैल्यूज उनकी कंपनी में छलकते हैं, और जब टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे से काम करती है तो लोअर लेवल भी अच्छे से काम करती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड विजय माल्या, नीरव मोदी, इनके संस्कार कैसे थे कैसे नहीं थे आपको ये बात पता है कि इनके हरकतों की वजह से, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज खराब थी, ये खुद इंडिविजुअली गलत थे, इसलिए इनकी कंपनी की इमेज भी गिर गई। तो इससे एक चीज समझ आ रही है, जो कंपनी के सीनियर लेवल ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी इमेज से कंपनी की इमेज जुड़ी होती है। अगर आपकी इमेज अच्छी है, आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, तो आपकी कंपनी की इमेज ऑटोमेटिक ग्रो होगी। अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आपकी कंपनी की इमेज ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। रतन टाटा जी की रिस्पेक्ट है, लोग अच्छा काम करते हैं, इससे टाटा ग्रुप की रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। विजय माल्या की रिस्पेक्ट नहीं थी, उसने गलत काम करा, वो बैंकों का पैसा मार के भाग गया, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के भी केस थे, इस वजह से उसकी जो किंगफिशर ग्रुप है उसकी भी गुडविल डाउन हो गई। समझ आता है? तो जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं, कह रहा है वो जो एथिकल वैल्यूज होती है ना, इंडिविजुअल लेवल पे जो सोशल वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं, वही फ्यूचर में जाकर कॉर्पोरेट में कन्वर्ट होती हैं और वो कॉर्पोरेट वैल्यूज बन जाती हैं। वही संस्कार तो हम अपनी कंपनी में लेकर जाएंगे, हमारे घर से चालू होकर वो कंपनी तक जाते हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हम आगे कंपनी में भी वही फैलाएंगे, आसपास के लोगों को भी वही सिखाएंगे, तो कंपनी भी अच्छे से ग्रो होगी, नहीं तो फिर तुम्हारे को पता ही।
कॉर्पोरेट एथिक्स रेफ देयर इज फॉर इज चूजिंग अडॉप्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग गुड थिंग एंड अवॉइड बैड थिंग. तो कह रहा है इसका मतलब सीधी सी भाषा में उनसे पूछे कि कोई कॉर्पोरेट वैल्यूज बोल रहे हो, कॉर्पोरेट एथिक्स क्या है? तो कंपनी में अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना, बुरी चीजों को इग्नोर करना, इस कॉल्ड कॉर्पोरेट एथिक्स. हम घर में भी यही होता है क्या? तो वो कह रहा है वही जो चीज घर में हो रही है वही कंपनी में हो रही है. घर में भी माँ बाप यही से बोलते हैं ना, अच्छा काम करो, गलत काम मत करो, किसी की तरफ बुराई मत करो. सेम कंपनीज में भी अच्छे अच्छे काम करो, सबको इक्वली ट्रीट करो, सबको अच्छा पे करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, बुरे काम मत करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो, कोई सेक्सुअल हरासमेंट मत करो, गलत काम मत करो, सबको अंडर वैल्यूएशन मत करो, अंडर पे मत करो, तो कंपनी ग्रो होगी. तो कह रहा है एथिक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि राइट और रॉन्ग डिफाइन करते हैं. और कह रहा है एथिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है, एथोस, जिसका मतलब है करैक्टर. और तुम्हारे को मैंने बताया वैसे खाली करैक्टर नहीं होता, तीन मतलब होते हैं, करैक्टर, कस्टम्स और वैल्यूज. ये सब तुम्हारे को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. कह रहा है एथिक्स आप फॉलो करोगे तो एक डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट है. अच्छा डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट मतलब कोई बंदा बहुत वेल मैनर्ड होता है, अच्छे तरीके से बिहेव करता है, कुछ गलत नहीं बोलता, किसी का कोई गाली गलोच नहीं करता, बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, तो बोलते हैं बंदा बहुत एथिकल है, बहुत बंदा बहुत वेल मैनर्ड है. लेकिन अगर वही गाली गलोच करके बात करता है, वो बंदा आसपास कुछ समाज में गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट अपना मुंह नहीं उठाता, जुबान नहीं खोलता, इसका मतलब उसके अंदर वैल्यूज अच्छे नहीं है. वो लोगों के साथ मिसबिहेव करता है, गरीब को गाली देके बात करता है. कुछ लोग तुमने देखे होंगे, ये भी संस्कार है, कुछ लोग तुमने देखे होंगे रोड पे चल रहे हैं, रिक्शे वाले को गाली देके बात करते हैं, मजदूर आदमी को गाली देके बात करते हैं, चल बे चल, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा. और कुछ लोग तुमने देखा होगा रिक्शे वाले से भी उतनी ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं, किसी गरीब बंदे से भी उतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जितने एक वो एक नॉर्मल अमीर बंदे से बात करते हैं. इसका मतलब वो उनके वैल्यूज हैं, उनके संस्कार हैं, वो दूसरा बंदा जो गलत काम कर रहा है वो उसके संस्कार है. तो वैल्यूज जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. उससे डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट होता है कि उसका ह्यूमन कंडक्ट, जो वो हरकतें कर रहा है वो अलग है, उसका ह्यूमन कंडक्ट अलग है. और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको संस्कार कैसे मिले. लेकिन कह रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली सेम है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है, कि ये चीज एथिकल है, ये हर बंदे को ध्यान रखना चाहिए. अच्छा एग्जाम्पल, मैन वुमेन की रिस्पेक्ट करना. कह रहा है हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखना. हेल्थ सेफ्टी का ध्यान मतलब आप अगर मान लो रेस्टोरेंट चला रहे हो, तुम्हें देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रेस्टोरेंट चला रहे हैं, पैसा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करने के लिए गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट डालते हैं, है ना, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट डालते हैं. एडल्ट्रेटेड समझ आता है, मिलावट वाले प्रोडक्ट. एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है मिलावट वाले प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, हेल्थ खराब होती है लोगों की. तो आप किसी की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करो वो अनएथिकल है, कॉम्प्रोमाइज मत करो. किसी की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी के साथ छेड़छाड़ मत करो, है ना, सबको इक्वल ट्रीट करो, आज्ञाकारी बनो, लॉ फॉलो करो प्रॉपर, लॉ ऑफ लैंड मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहां के लॉ का उल्लंघन मत करो, है ना. दिस इज वो. और कह रहा है एथिक्स जो है वो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल है. सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल मतलब संस्कारों का गुच्छा है जो माँ बाप ने बचपन से सिखाया है, ये नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना. और कह रहा है आप उसको ध्यान रखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन कर पाओगे. और कुछ कह रहे हैं कुछ रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं. अच्छा बहुत सारे लोग संस्कार अपने रिलीजियस सेंटीमेंट से सीखते हैं और रिलीजियस इन्फ्लुएंस सीखते हैं. मतलब कुछ लोग रामायण को मानते हैं, कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, कुछ लोग भगवत गीता को मानते हैं, जो जिसको मानता है, जो जहां से सीखता है. कुछ लोग कृष्ण जी को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, मतलब जो जिस भगवान को मानता है. भगवान तो सब कुछ अच्छा ही सिखाते हैं, जिसके मर्जी रिलीजन की हो. तो कह रहा है कि जब वो संस्कार सिखाए जाते हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो इसका मतलब आप एथिकली बिहेव कर रहे हो. संस्कार जो नहीं सिखाए गए हैं तो मतलब आप जो सिखाए गए आप फिर भी फॉलो नहीं कर रहे, तो आप अनएथिकली बिहेव कर रहे हो. और कह रहा है संस्कार आने के कई माध्यम होते हैं. आप चाहो तो सोसाइटी से ले लो, आसपास की सोसाइटी में जो लोग, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है लेकिन समाज में लोग अच्छे हैं, हम उनको देख के अच्छा बिहेव करने लग गए हैं. आसपास के लोग अच्छे लगते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, तो हमें लगता है कि यार वो अच्छा कैसा कर रहा है तो हम भी अच्छा काम करेंगे. मतलब आसपास के लोग बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमें लगता है कि यार हम लोग बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, हम भी रिस्पेक्ट से बात कर लेते हैं, है ना. हम आसपास के लोगों को देखकर, रिलीजियस इंटरेस्ट को देखकर, कल्चरल प्रैक्टिस, कुछ कल्चर ही ऐसा कईयों के रिलीजन में या कईयों के कल्चर में समाज में ऐसा होता है बड़ी तहजीब से बात करते हैं. जिसका बेस्ट एग्जांपल है लखनऊ. तुम दिल्ली शहर में आओगे ना थोड़ा तू थोड़ा करके बात होती है, लखनऊ शहर में जाओगे ना बड़ा तमीज से बात करते हैं, तुम बहुत आप, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं. तो वो उनका कल्चरल डिफरेंस है. दिल्ली का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है यूपी का कल्चर, यूपी में पूरी यूपी का नहीं, लखनऊ का कल्चर थोड़ा नवाबों का शहर है, थोड़ा डिफरेंट है. तो कह रहा है कल्चर्स का भी फर्क होता है. और आगे क्या बोलता है, कह रहा है बिजनेस एथिक्स को और कॉर्पोरेट एथिक्स तो टर्म है ही है. कह रहा है इसके अलावा एक पॉपुलर टर्म और है जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स. जिसका नाम क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स. ये रहा. अच्छा बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स समझ आता है, मतलब जो हम बिजनेस के अंदर फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज के अंदर फॉलो कर रहे हैं, उसे हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं. बिजनेस एथिक्स क्या होता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, है ना, हमें
सबको प्रॉपर सैलरी देनी है, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, हमें कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करनी है ऑफिस प्रेमाइसिस के अंदर, हमें समाज का भी भला करना है, सोशल वेलफेयर करना है, ये सब बिजनेस एथिक्स है, कॉर्पोरेट एथिक्स है। कह रहा है एक शब्द होता है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है कि जहां पे प्रोफेशनल, जैसे एग्जाम्पल सीए सीएस सीएम में, इनके लिए ना अपने एथिक्स बताए गए हैं अपने एक्ट के अंदर। आपको पता है सीए एक्ट सीएस एक्ट सीएम में एक्ट है, इनके खुद के एक्ट है, उसके अंदर इनके एथिक्स बताए हुए हैं, कोड ऑफ एथिक्स, कि इनको इस तरीके से काम करना है। जैसे आपको एक मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जो एडवोकेट होता है, अच्छा कोई भी क्लाइंट है, मान लो कोई चोर क्यों ना हो, अच्छा चोर ने चोरी करी है, वो कोर्ट में भले एक्सेप्ट ना करे, लेकिन जिस वकील के पास वो क्लाइंट है वो उस वकील को जरूर बता देगा हाँ मैंने चोरी करी है, लेकिन प्लीज आप मेरे को बचा लेना। तो जितने मुजरिम होते हैं, आपको पता होगा ना, देखो इंडिया में जब कम किसी के ऊपर केस करते हैं तो मुजरिम का अपना वकील होता है और जो बंदा केस कर रहा है उसका अपना वकील होता है। मान लो मैंने किसी के ऊपर केस करा, मान लो सामने वाला बंदा मुजरिम था, तो मेरा अगर वकील जा रहा तो मुजरिम का भी तो वकील जाएगा। तो जैसे मैं अपने वकील को अपनी बातें बता रहा हूं कि इसने मेरे साथ ये करा, क्या मुजरिम ने, भले ही कोर्ट में मुजरिम एक्सेप्ट ना करे कि मैंने गलत काम करा है, लेकिन क्या अपने वकील को तो बताएगा कि मैंने गलत काम करा है? तो अब वो जो उसने अपने वकील को अपनी सारी सीक्रेट बातें बताई हैं, क्या ये उसके वकील की ड्यूटी बनती है कि वो इसको कॉन्फिडेंशियल रखे, वो किसी को ना बताए? वरना इंडिया में लोगों का एडवोकेटों से भरोसा ही उठ जाएगा। तो सेम अगर कोई क्लाइंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, वो 100 करोड़ रुपए कमाता है और वो आईटीआर के अंदर अपनी इनकम कम दिखाना चाहता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सेटिंग बताता है कि भाई इस तरीके से तू पैसा बचा सकता है, तो क्या ये सीए की प्रोफेशनल की ड्यूटी नहीं बनती कि वो इसको छुपा के रखे? ये गलत नहीं है कुछ, वो इसको लीगल तरीके से गायब करेगा, उसको वो लोग टैक्स प्लानिंग बोलते हैं कि वो इस तरीके से प्लानिंग करेगा टैक्स की कि आपको टैक्स कम देना पड़े लेकिन आपका पैसा ठिकाने लग जाएगा। तो वो कैसे लगाया, कितनी इनकम थी, किस सोर्स से आती थी, वो सब आपने अपनी सीक्रेट बातें किसको बताई है, अपने सीए को, लेकिन क्या उसकी ड्यूटी बनती है कि चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी को बताए ना, वरना लोग सीए पे एडवोकेट्स पे लॉयर्स पे भरोसा ही नहीं करेंगे। तो कहता है कि इसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। तो वही बता रहा है, फॉर एग्जांपल लॉयर्स मस्ट होल्ड कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंशियल, अकाउंटेंट मस्ट डिस्प्ले द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्ट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी इन द फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑनेस्टी मतलब समझ आ गई ना। तो कह रहा है जो लॉयर है उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो उनको बताई गई है आपको, उनको वो कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। जो एडवोकेट्स हैं उनको चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, जो अकाउंटेंट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको वो चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल डेटा आपके पास अपने क्लाइंट का है कि कितना पैसा कमा रहा है। अच्छा मान लो कोई क्लाइंट है वो कितना पैसा कमा रहा है कितना नहीं, उसकी डिटेल मेरे को पता है। अब मैं क्या मोहल्ले में गाता रहा हूं, तुम्हें पता है तुम्हारा पड़ोसी इतना पैसा कमाता है? नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल चीज है, उसकी चीज है। अच्छा कितने लोग अपनी इनकम बताना पसंद नहीं करते? मैं खुद तो अपनी इनकम लोगों को बता नहीं रहा, लेकिन मेरा सीए मेरी इनकम सबको बता रहा है, क्या वो सही है? नहीं। क्यों? कह रहा है अकाउंटेंट्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, लॉयर्स की ड्यूटी बनती है जो प्रोफेशनल्स हैं कि इनको कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा, इनके अलग एथिक्स हैं कि इनको अपनी चीजें सीक्रेट रखनी, किसी को बतानी नहीं है, ताकि लोग इन पर ट्रस्ट कर सके, ताकि इंडिया में इन प्रोफेशनल्स की वैल्यू बनी रहे। ठीक है जी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एथिक्स, ये क्या है ये देखते हैं। अब आता है गाइस टाइप्स ऑफ एथिक्स। टाइप्स ऑफ एथिक्स में लॉ कह रहा है मेनली तीन तरीके के एथिक्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेटा एथिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स और एक होता है अप्लाइड एथिक्स। तीनों में फर्क क्या है मैं तुम्हें बहुत सिंपल बता दूं, तुम ऐसे समझ जाओगे, बहुत सिंपल बताता हूं। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब एथिक्स तो बाद में आएगा, पहले आप एथिक्स से पहले कुछ चीजें आती है। जैसे माँ बाप ने आपको बोला चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वो आप बोलोगे नहीं बोलोगे वो तो बात की बात है, लेकिन क्या सही क्या गलत इसका फोकस उस पे होता है, इसका इट फोकस इज ऑन राइट और रॉन्ग। मेटा एथिक्स का फोकस होता है राइट और रॉन्ग पे, राइट और रॉन्ग मतलब ओरिजिन पे फोकस कर रहा है। अभी लॉजिक समझाता हूं, कैसे एग्जांपल देके समझाऊंगा ज्यादा बेटर समझ आएगा। इट फोकस इज ऑन राइट एंड रॉन्ग। जैसे एग्जाम्पल माँ बाप ने बोला चोरी नहीं करनी, इसका मतलब माँ बाप की नजरों में चोरी रॉन्ग है। माँ बाप ने बोला मर्डर नहीं करना, मतलब माँ बाप की नजरों में मर्डर रॉन्ग है। माँ बाप ने बोला कि क्या कहते हैं झूठ नहीं बोलना, माँ बाप ने बोला कि झूठ नहीं बोलना, लाए झूठ नहीं बोलना, तो माँ बाप की नजरों में झूठ बोलना रॉन्ग है। माँ बाप ने बोला डकैती नहीं डालनी, डेकोइटी, माँ बाप ने वो उसकल माँ बाप के नजरों में रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग। अच्छा माँ बाप ने बोला सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, वेल मैनर में बिहेव करना है, इसका मतलब
माँ बाप की नजरों में ये राइट है। देखो आप बिहेव करोगे या नहीं करोगे वो तो बाप की बात है, लेकिन माँ बाप ने पहले ये तो बता दे कि किस चीज को सही मानना है, किसी को गलत मानना है। सही और गलत भी तो हर माँ बाप अपने हिसाब से सिखाते हैं। तो यहाँ पे मेटा एथिक्स का जो फोकस है वो ओरिजिन पे है कि यह क्या चीज सही है भी या नहीं, क्या ये चीज गलत है भी या नहीं, पहले तो ये बताओ बंदे को। और जो नॉर्मेटिव एथिक्स है ना वो क्राइटेरिया पे फोकस करता है, क्राइटेरिया पे फोकस करता है कि अगर ये चीज है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, किसको कब मानेंगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मां बाप ने बोला चोरी नहीं करनी, मां बाप ने क्या बोला, डोंट स्टील, मतलब चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। तो इसका मतलब मां बाप ने ये हमारे को स्टील जो है कि चोरी है, इसका मतलब मां बाप ने हमारे को ये समझाया कि चोरी करना इज अ क्राइम, तो चोरी करना एक रॉन्ग है, तो ये चोरी नहीं करनी है। ये हमारे को बता रहा है कौन, मेटा एथिक्स, कि ये बता रहा है, ये फोकस कर रहा है राइट और रॉन्ग पे, क्या चीज सही भी है गलत। लेकिन कितनी बड़ी चोरी को चोरी मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने चोरी करी है लेकिन माँ बाप ने इग्नोर कर दी कि छोड़ ये तो छोटी मोटी हरकत करी है। कई बार ऐसा होता है बंदे को चीज बंदा करता है लेकिन बुरा नहीं लगता। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि एक मजाक है कि छोटा मोटी बात करी, माँ बाप ने मजाक में ले ली। एक है कोई सीरियस बात कर दी बड़ी, माँ बाप को खुंदक आ गई, वो बात बड़े बन गई, इशू बन गया। तो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, आपने अपने घर से 10-20 रुपए आपने मम्मी ने कुछ खा खर मम्मी ने मान लो आपको 100 रुपए दिए थे, आपकी मॉम ने आपको 100 रुपए दिए थे कि जा मार्केट से ये वेजिटेबल्स ले आ। अब आप वेजिटेबल्स लेने गए, वो 90 रुपीस की आई, 10 रुपए की आपने आइसक्रीम खा ली। अब आपने बिना मम्मी से पूछे वो आइसक्रीम खा ली, वो भी काइंड ऑफ चोरी है, लेकिन मम्मी इसको चोरी नहीं मानेगी। मम्मी कहेगी छोड़ मेरे बच्चे ने खाई है, कोई बात नहीं। लेकिन करा तुमने ही है, लेकिन ऑन द अदर एंड तुमने मम्मी के बैंक अकाउंट से 1,00,000 रुपए निकाल लिए और उसका कुछ यूज कर लिया, उसके कपड़े ले आए। माँ बाप तुम्हारा भूत बना देंगे, तूने किसकी परमिशन से ये चीज ली है। माँ बाप कहेंगे तूने चोरी क्यों करी, बिना पूछे बैंक से पैसे क्यों निकाले। इसका मतलब वो क्राइटेरिया क्या है कि छोटी मोटी चीजें इग्नोर हो जाएगी, बड़ी चीजें तो इग्नोर नहीं करेंगे। तो क्राइटेरिया किस चीज को मानेंगे, किस चीज को नहीं मानेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कितने अमाउंट में। देखो चोरी करना इज अ मेटा एथिक्स, कि माँ बाप ने बोला चोरी नहीं करनी है, वो मेटा एथिक्स में आ गया, राइट और रॉन्ग। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी चोरी को चोरी मानेंगे, कितने अमाउंट की चीज को चोरी नहीं मानेंगे। जैसे इस एग्जांपल में उसने 10 रुपए की चोरी करी है कि भाई 10 रुपए बिना मम्मी से पूछे खर्च लिए, लेकिन माँ बाप ने इसको चोरी मानी नहीं, थी तो ये भी चोरी। लेकिन जब उसने 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकाल के खर्च लिए, माँ बाप ने इसको चोरी मान लिया, तो ये भी चोरी है, लेकिन ये गलत है माँ बाप की नजरों में। तो जरा दोनों में फर्क समझो। इसका मतलब मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट। नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट मतलब माँ बाप सिखा रहे हैं कि मॉरली ये चीज सही है या गलत। इट लुक्स एट द ओरिजिन ऑफ द मीनिंग ऑफ एथिक प्रिंसिपल। ओरिजिन मतलब शुरुआत, ओरिजिन का मतलब होता है बर्थ, कि मतलब ये स्टार्टिंग से ये चीज सही है या गलत, इसका फोकस खाली इसी पे होता है। तो चोरी करना ना करना, इसको क्राइम मानेंगे मतलब इसको गलत मानेंगे भी या नहीं, किसी का मर्डर करना ये राइट है रॉन्ग, इसको मानेंगे भी या नहीं, ठीक है, ये सब क्या है वो मेटा एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या चीज है, नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब होता है क्राइटेरिया ऑफ राइट और रॉन्ग। क्राइटेरिया ऑफ राइट और रॉन्ग का मतलब, यहां पे मान लो हमने इसमें मेटा में समझाया कि भाई ये चोरी करना रॉन्ग है, लेकिन अब उसको चोरी का क्राइटेरिया क्या होगा, जो एग्जांपल दिया कि कितनी बड़ी चोरी को चोरी मानेंगे, कितनी को नहीं मानेंगे, वो फोकस किस पे है, नॉर्मेटिव एथिक्स का। कि हमने यहां पे देखा 10 रुपए वाली चीज को चोरी मानेंगे, लेकिन 10 वाली को नहीं मानेंगे, 1,00,000 वाली को मानेंगे। तो ये नॉर्मेटिव एथिक्स की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, नॉर्मेटिव एथिक्स की वजह से। कि नॉर्मेटिव हमें ये बताता है कि हम क्या चीज इग्नोर कर सकते हैं और क्या चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हम 10 रुपए वाली चीज को इग्नोर कर रहे हैं लेकिन 1,00,000 वाली चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमारे को ये सिखाता है। तो मेटा ने समझाया कि भाई ये चीज करनी ही नहीं है। नॉर्मेटिव कहता है अगर कर रहे हो तो इसमें भी कितने को सही मान लेंगे, कितने को गलत, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उस कंटेंट क्या होगा उस मॉरल जजमेंट का। क्योंकि इसका फोकस खाली मॉरल जजमेंट पे है कि ये सही है गलत मॉरली, कि डकैती डालना, चोरी करना, झूठ बोलना सही है गलत। अच्छा झूठ भी अब कई तरीके के होते हैं ना। माँ बाप ने बोला झूठ नहीं बोला, हमने झूठ छोटा मोटा बोला,
मम्मी मैं रात को 8 बजे घर आऊंगा, आप 9 बजे आए, 10 बजे आए, ये झूठ छोटा मोटा झूठ है। आपने मम्मी ने इग्नोर कर दिया, चलो 8 की जगह 10 बजे भी आया कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ तुम झूठ ये बोल रहे हो कि मम्मी मैं ना पेपरों में पास हो गया, लेकिन आप एक्चुअल में फेल थे। अब वो छोटी मोटी चीज है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा हमारा पास हो गया होगा, माँ बाप भी सोच रहे हैं और आप फेल थे, तो वो झूठ नहीं बोलना इज कॉल्ड मेटा एथिक्स। लेकिन अब आपने बोला, उसको कितने को झूठ मानेंगे कितने को नहीं, कौन सा क्राइटेरिया उसके माँ बाप के अकॉर्डिंग सही है, किसको वो फोकस करेंगे किसको वो इग्नोर करेंगे, वो नॉर्मेटिव एथिक्स बताता है। आ गई ना बात समझ। और तीसरा आता है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का फोकस होता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे, लाइक वॉर, एनिमल राइट्स, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस, किसी को फांसी की सजा देना। डेथ सेंटेंस, किसी को फांसी की सजा देना। अच्छा, ये चीज जो एनिमल राइट्स होते हैं, मतलब जो लोग एनिमल्स को परेशान करते हैं, एनिमल्स को भी एक लिविंग राइट है, जैसे हम लोग रह रहे हैं, तुमने देखो गली में लोग बिना वजह स्ट्रीट डॉग्स को कई बार डंडा मार देते हैं बिना वजह, है ना, तो आप उनके अगेंस्ट करो, उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। वॉर है, अब वॉर जो है वो दो कंट्री का आपस में डिस्प्यूट है, वॉर छिड़ गई, तो अब वो वॉर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो कंट्री सोचेगी, एक बंदा नहीं सोच रहा, पूरी पूरी कंट्री सोच रही है कि क्या ये एथिकली ठीक होगा या नहीं। किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना, जब जज, अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम करा है, अब जज उसको डेथ सेंटेंस देगा, अब डेथ सेंटेंस अगर देगा वो बड़ा क्राइम है, तो जज भी एक बार को सोचता है क्या देनी चाहिए नहीं। तो मतलब जितने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ने बड़े बड़े, उधर वो चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जब हम ऐसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, इसलिए हम उसे अप्लाइड एथिक्स बोलते हैं, जब हम देखते हैं कि यार ये चीज प्रैक्टिकली सही है या नहीं, इसका पूरी कंट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वॉर वाले केस में, एनिमल राइट्स में, जानवरों पे जो हम ये अत्याचार करवाते हैं लोग, क्या वो सही है गलत। इसलिए आपको पता होगा आजकल एनिमल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बन चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब तीन तरीके के एथिक्स, फटाफट सम अप करो, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स फोकस करता है राइट और रॉन्ग पे, इट फोकस ऑन राइट और रॉन्ग, ठीक है जी, कि क्या सही क्या गलत, इसको सही मानेंगे गलत मानेंगे, इसका सिर्फ फोकस इस पे है। और नॉर्मेटिव एथिक्स का फोकस है क्राइटेरिया फॉर राइट एंड रॉन्ग, कि अगर जो राइट एंड रॉन्ग हुआ उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किसको सही मानना, उसका कितने पे गलत मानना और कितने पे सही मानना है। सही मानना और माँ बाप ने बोला झूठ नहीं बोलना, ठीक है, लेकिन कितने तक का झूठ बड़ा एक्सेप्टेबल है, कितना बड़ा झूठ रॉन्ग में आएगा, वो सब कौन चेक करता है। नॉर्मेटिव और अप्लाइड तो बड़े बड़े टॉपिक्स पर फोकस करता है, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक लाइक वॉर, एनिमल राइट्स, कैपिटल पनिशमेंट एटसेट्रा। और अप्लाइड एथिक्स सिर्फ इतना बोलता है कि ये बड़े लेवल पे बातें होती है कि चीज प्रैक्टिकली जब सोचना पड़ जाए कि हमें प्रैक्टिकली चीज अप्लाई करनी है नहीं करनी है, बड़ा मैटर है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स, ठीक है जी। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, ये क्या आप देखते हैं, बहुत सिंपल है, देखते हैं। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। अब ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, मतलब बेसिक बेसिक बातें हैं, पेपर में तुम एज इट इज वर्डिंग तो नहीं लिख पाओगे, की वर्ड याद करना, बाकी अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि एथिक्स की ना वर्डिंग बहुत जनरल हो जाती है। अब जनरल होने की वजह से क्या होता है कि ये लॉ नहीं है कि तुम इसको कंसेप्ट की तरह पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, यहां तो चीजों को लिंक करना होता है, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना होता है, तो आप सिर्फ की वर्ड्स पे फोकस करो और आप इसको अपने हिसाब से पेपर के अंदर अपनी वर्डिंग में बनाना। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, क्या बोलता है, एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, हमारे हर ह्यूमन के अंदर जब ये बोले एथिक्स, तो एथिक्स का मतलब आप सीधी सी भाषा में ऐसे समझो, संस्कार। किसके बारे में बात हो रही है, संस्कार के बारे में बात हो रही है, मतलब वैल्यूज। मेन फोकस तो बार बार एथिक्स का उससे, वैसे तो हमने समझा कि एथिक्स के तीन मतलब होते हैं, करेक्टर, कस्टम्स, वैल्यूज। मेन फोकस संस्कार पे होता है, इट इज अवर मीन्स ऑफ डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, एथिक्स की वजह से ही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब मेरे को ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मेरे अंदर कितने एथिक्स हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि मेरे को ये चीज, मान लो आई वॉन्ट टू बिकम रिच, मैं अमीर होना चाहता हूं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मैं अमीर होना चाहता हूं, है ना, सपोज आई वॉन्ट टू बिकम रिच, मैं रिच बनना चाहता हूं। अब अमीर बनने के लिए मैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या डिसाइड करूंगा, ये फोकस है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि मैं रास्ता क्या चुनूंगा, हिंदी में बोले तो रास्ता क्या चुनूंगा। एक रास्ता ये है मेरे पास, एक वे ये है कि मैं हार्डवर्क करूं बहुत ज्यादा, हार्डवर्क करूं, स्ट्रगल करूं, धीरे धीरे आगे बढ़ू, देन बिकम रिच। एक तरीका यह है कि भाई मैं काम करता हूं, सेकंड वे ये है, दूसरा रास्ता ये है
कि मैं डकैती डाल देता हूं, डकैती डाल देता हूं, और डकैती डालने के बाद बस काम खत्म, एकदम से ही इमीडिएटली रिच बन जाऊं। डाका डाला बैंक के अंदर, चोरी करी, इमीडिएटली रिच बन जाऊं। अब पता है क्या होगा, अब यहां ये मेरे को कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना है, इसके लिए मेरे एथिक्स मैटर करेंगे, कि मेरे मां बाप ने मेरे को संस्कार कैसे दिए हैं ये मैटर करेंगे। एक है कि भाई मां बाप बोलते थे भाई जैसे मर्जी अमीर बन, हमें नहीं पता, पैसा आना चाहिए। दूसरे बंदे के मां बाप बोलते हैं बेटा इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है, मेहनत से कमाओ, सुकून की रोटी कमा लो, थोड़ा कम कमा लो। तो अगर इसके माँ बाप इस तरीके वाले हैं जो मेहनत से कमाओ, सुकून से कमाओ, थोड़ा कम कमा लो, तो वो फर्स्ट वे चुनेगा, धीरे धीरे रिच बनेगा, कोई बात नहीं। वो बंदा कहता है मेरे को इमीडिएटली रिच बनना है, किस तरीके से पैसा आ रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, तो वो सेकंड वे चुनेगा। तो कह रहा है कि हमारी ह्यूमन लाइफ की रिक्वायरमेंट है एथिक्स, और हमारे एथिक्स ही, हमारे संस्कार ही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, किसको कैसे संस्कार मिले हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। विदाउट इट आवर एक्शन वुड बी रैंडम एंड एमलेस। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे में संस्कार ही नहीं है, तुम रैंडम जो मन में आएगा वो करोगे, कोई एम ही नहीं होगा। एम का मतलब है यहाँ पे, एमलेस का मतलब है कि यहाँ पे आपका कोई फोकस ही नहीं होगा कि मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, बस मान लो आपने पैसा कमाना है, आप सोचोगे ही नहीं दूसरी तरफ। अगर आपको कोई संस्कार नहीं है, आपको कुछ सिखाया नहीं गया बचपन से, तो आप सोचोगे ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, आप सोचोगे साला जैसे मर्जी पैसा आ रहा है, हमेशा सेकंड वे चुनोगे। लेकिन आपको संस्कार दिया हुआ है तो आप हमेशा फर्स्ट वे की तरफ जाओगे, धीरे 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 काम करोगे। आगे, there would be no way to work toward a goal because there would be no way to peak between a limitless number of goals. अच्छा एक बात बताओ, कोई आप गोल चुनना है, जैसे आपका गोल है कि आपको रिच होना है, फेम बनना है, आपको रिच भी चाहिए, रिच भी होना है प्लस फेम भी चाहिए, आपका गोल है अमीर होना, दौलत शोहरत पाना आपका गोल है, मान लो आपको ये पहुंचना है। अब इसको पाने के लिए ना, जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, जैसे मूवी एक्टर्स होते हैं। अच्छा बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो ज्यादा डिस्क्लोजिंग रोल्स होंगे या न्यूड रोल्स होंगे हम प्ले नहीं करेंगे, हमारे मां बाप ने संस्कार दिए हैं हम प्ले नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं करेंगे। बहुत सारे कहते हैं कि एनी काइंड ऑफ रोल हमें एक्सेप्टेबल है, बस पैसा चाहिए और नाम चाहिए। नाम दोनों का बनेगा, नाम दोनों का बनेगा, एनी काइंड ऑफ रोल एक्सेप्टेबल है, भले ही फिर वो न्यूडो या कैसा भी हो, टॉपलेस हो, एग्जाम्पल जो ये मूवीज में आते हैं एटसेट्रा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे कहते हैं कि ये वाले रोल हम नहीं करेंगे, और बहुत सारे कहते हैं ये वाले भी कर लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तरक्की दोनों को मिलेगी, नेम फेम दोनों को मिलेगा, गोल दोनों का सेम ही है, अमीर होना है, लेकिन एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं जल्दी, सोचते हैं कि हम ऐसे फेमस होंगे, एक सोचते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे चलें, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन नाम और करेक्टर अच्छा होना चाहिए, कभी चरित्र गलत नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। तो अच्छा जैसे तुम अमिताभ बच्चन को देखते हो, शाहरुख खान को देखते हो, सलमान खान को देखते हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट अलग होती है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड तुम सनी लियोनी को, मलाइका शेरावत को, मलिका शेरावत नाम है था ना, सुबह बताया, ऐसे बहुत सारी हैं एक्ट्रेसेस को जब तुम देखते हो तुम्हारी इमेज उनके लेके अपने दिमाग में अलग होती है। फेमस वो भी हैं लेकिन दिक्कत तो है, सोच तो फर्क तो है दोनों जगह पे, है ना। आगे देखो क्या कहता है, कहता है इवन विद एन एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप एथिक्स फॉलो कर भी रहे हो, वी मे बी अनेबल टू परस्यू अवर गोल्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। जरूरी थोड़ी है कि सक्सेस मिलेगी। अच्छा ऐसा होता है कई बार हम लोग देखते हैं कि यार ये बंदे ने बहुत मेहनत करी है जिंदगी में, फिर भी इसको तरक्की नहीं मिल रही क्योंकि ईमानदारी से चला था, और सामने वाला बंदा कल्प्रिट था, गलत था, हमेशा गलत रास्ता पकड़ा, लेकिन फिर भी अमीर हो गया, है ना। तो इसका मतलब तरक्की होना या ना होना इस चीज से मैटर नहीं करता कि आप अगर एथिकल हो तो आपको तरक्की मिलेगी, ये तो आपकी अंतरात्मा होती है यार, आपको खुद अंदर से लगता है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ईमानदारी से चलते हैं जिंदगी के अंदर, लेकिन वो उतना बड़ा नाम नहीं बन पाता उनका, ना वो उतना पैसा कमा पाते। लेकिन जो लोग गलत होते हैं, हमेशा दो नंबर का रास्ता पकड़ा, वो लोग
अमीर बनते हैं। इसलिए तुमने लोगों के मुंह से कहावत भी सुनी होगी, जो तुमने देखा होगा बहुत अमीर लोग होते हैं, लोग बोलते नहीं दो नंबर का पैसा होगा, बोलते हैं ना लोग डायलॉग मारते दो नंबर का पैसा होगा। वो मारते ही इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम अमीर बंदे को देखते हैं तो हमें डाउट लगता है कि यार ये बंदे ने दो नंबर की कमाई करी होगी। इसका मतलब कई बार लोग बिना मेहनत करे, बिना एथिक्स फॉलो करे भी अमीर बन जाते हैं, और कई बार लोग बहुत संस्कार से चलते हैं उसके बाद भी नहीं हो पाते। तो कह रहा है, यही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि कह रहा आप, ये आपके कर्म है कि आपको एथिक्स फॉलो करने हैं, नहीं आपकी इच्छा है। जरूरी नहीं है कि एथिक्स फॉलो करोगे तो सक्सेस मिलेगी, दिल माने तो फॉलो करो, नहीं माने तो ना करो। तो इसीलिए तुम देखते हो कि क्योंकि एथिक्स, मैंने तुम्हारे को बताया कि एथिक्स और इलीगैलिटी में फर्क होता है, एथिक्स क्राइम तो है नहीं बहुत सारी जगहों पे, तो बहुत सारे लोग एथिक्स फॉलो नहीं भी करते हैं, वो सोचते पैसा आता जहां से आ रहा अंधे, और बहुत सारे लोग सोचते नहीं हम तो प्रॉपरली एथिकल तरीके से चलेंगे भले ही पैसा कम कमा ले, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो कहता है टू द डिग्री विच आर रैशनल, रैशनल का मतलब होता है समझदार, एथिकल स्टैंडर्ड इज टेकन, वी आर एबल टू करेक्टली ऑर्गेनाइज अवर गोल्स एंड एक्शन टू कम्प्लीश अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। कह रहा है हम एथिक्स फॉलो करेंगे तो हम अपने तरीका फॉलो कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से चलना है, अपने संस्कार को फॉलो कर सकते हैं, वैल्यूज को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम एथिकल वे से गोल को अचीव करना चाहें तो कर सकते हैं, कई बार टाइम लगता है और कई बार जरूरी नहीं होता कि जो ऊपर वाली लाइन में लिखा था कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और कह रहा है एनी फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है कोई कमी, इन अवर एथिक्स विल रिड्यूस अवर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल इन अवर एंडेवर्स, एंडेवर्स का मतलब होता है एफर्ट्स। और कह रहा है कई बार ऐसा भी होता है कि जहां हमारे को एथिकल वे में चलना चाहिए था लेकिन हम एथिकल वे में नहीं चले तो हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं। अच्छा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं उनका तो एक लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ये हमेशा अच्छे लोग ही होंगे, ये एथिकल वे में ही काम करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो पुजारी की नियत सही नहीं है या किसी भी धार्मिक स्थान पे कोई भी हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उधर के जो मेन लीडर हैं अगर उनकी नियत सही नहीं है तो भले ही वो 14 घंटे बैठे वहां पे या 15 घंटे बैठ के पूजा करें, लेकिन अगर उनका करेक्टर सही नहीं है तो उनके एथिक्स की वजह से उनकी मेहनत में भी कमी दिखेगी। तो वो यही कह रहा है कि एनी फ्लॉ इन अवर एथिक्स, अगर वो एथिकली ठीक नहीं है तो उनके जो एफर्ट्स हैं उसमें भी कमी दिखेगी, उसमें भी वो रिड्यूस हो जाएंगे, उनके एफर्ट्स भी कम लगेंगे लोगों को। कहता है अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर्ड टू, दिस स्टैंडर्ड इज अवर ओन लाइव्स एंड हैप्पीनेस विच मेक्स देम लाइवेबल। अच्छा देखो अगर आप कह रहे हैं प्रॉपर एथिक्स फॉलो करोगे तो आपको खुद को खुशी होगी कि यार मैं संस्कारी तरीके चलता हूं, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता, मैं सबकी हेल्प करता हूं, तो आपकी खुद की लाइफ अच्छी होगी, आपको खुद को हैप्पीनेस मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि भूखे को खाना खिलाना है, किसी के माँ बाप ने कहा कि नहीं भाई ये सब करने से कोई फायदा नहीं होता, अब आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो, आपको खुद को खुशी होती है, ऑल्दो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, भगवान दे ना दे वो तो अलग बात है चलो, लेकिन कोई इंसान तो आपको रिवॉर्ड नहीं देगा कि आपने किसी गरीब की मदद करी, लेकिन खुद को खुशी बहुत होती है, हैप्पीनेस जरूर होती है अगर हम हैप्पीनेस अगर हम एथिकल वे में वर्क करते हैं। तो कह रहा है जो इट इज अराइव्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ मैन्स नेचर एंड रिकॉग्नाइजिंग हिज पिक्यूलियर नीड्स, पिक्यूलियर का मतलब होता है असेंशियल। कह रहा है एथिक्स ह्यूमन नीड्स के लिए बहुत जरूरी है, और कह रहा है सिस्टम ऑफ एथिक्स मस्ट फर्दर कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली इमरजेंसी सिचुएशन बट डे बाय डे चॉइसेस मेक कॉन्स्टेंटली। और कह रहा है एथिक्स को आपको ऐसा नहीं कि बहुत इमरजेंसी हो गई, जैसे होता ना इमरजेंसी में भगवान के पास गए, भगवान ऐसा वैसे आप आगे पीछे मंदिर नहीं जाते, आगे पीछे गुरुद्वारे नहीं जाते, लेकिन जब कोई पेपर आने वाले होते हैं हे भगवान पास करा दियो, रिजल्ट आने वाला होता है पास करा दियो, तो वो कह रहा है खाली इमरजेंसी में मत पूछो, आप कॉन्स्टेंटली अगर एथिकल वे में बिहेव करो, कॉन्स्टेंटली सबके साथ अच्छाई करो, अच्छा वैसे तुम अच्छे नहीं हो, वैसे तुम लोगों के साथ बुरा करते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे को ये लगता है कि यार पेपर पास आने वाले हैं, रिजल्ट पास आने वाला है, तो आप अच्छा अच्छा बिहेव करने लगते हो, लोगों से अच्छे अच्छे तरीके से बात करते हो, वेल मैनर बिहेव में बात करते हो, तो क्यों, क्योंकि आपको लगता है वरना पाप चढ़ेगा, तो आप ऐसा मत करो। वो कह रहा है आप डेली बेस पे कॉन्स्टेंटली अच्छे तरीके से बिहेव करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना, ये कह रहा है वो। अब आता है गाइज एथिक्स नेचर एंड रेलेवेंस टू द बिजनेस, मतलब एथिक्स की बिजनेस में क्या रेलेवेंस है, और इसको तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सिंपल समझाऊं ना, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और कह रहा है कि
एथिक्स की बिजनेस में क्या रेलेवेंस है तुम बहुत सिंपल वे में समझ जाओगे, मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं। चलो हमने इन पैराग्राफ्स की ना समरी बनाएंगे, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि एथिक्स की बिजनेस के अंदर क्या रेलेवेंस है। हम मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी एथिक अगर कोई कंपनी एथिकल वे में काम करती है तो उस कंपनी की जो मार्केट में इमेज होती है, देखो कोई भी अगर बिजनेस एथिकल वे में काम करता है, अब बस एक कीवर्ड याद रखो, बस अपने आप वर्डिंग बना लेना, एथिकल वे में काम करता अगर कोई बिजनेस तो क्या होगा पता है? एक तो उसकी मार्केट में इमेज गुड होगी, जिसको हम बोलते हैं कि रेपुटेशन इंक्रीज होगी। इमेज गुड हो गई, रेपुटेशन इंक्रीज हो गई, बात एक ही है। अच्छा, अगर आपकी इमेज गुड होगी, रेपुटेशन गुड होगी, तो आपकी कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर आपकी कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, इमेज गुड होगी, तो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी के ऊपर ज्यादा होगा, लोग आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे, है ना, लोग आपसे ज्यादा सामान खरीदेंगे, क्रेडिटर्स आपको इजीली लोन दे देंगे अगर आपकी इमेज अच्छी है, अगर आप एथिकल वे में काम कर रहे हो। और इसके बेस्ट एग्जांपल में अपने दिमाग में बिठा लो टाटा ग्रुप। अच्छा, टाटा ग्रुप लोन मांगने जाएगा, या टाटा ग्रुप क्योंकि आपको पता है एथिकल वे में काम करता है, लोगों का भला करता है, तो इमेज भी गुड है, तो रेपुटेशन भी इंक्रीज हो रही है, शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, कस्टमर्स इनके भरोसा करके सामान भी लेते हैं, क्रेडिटर इनको इजीली लोन भी देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं विजय माल्या की बात करूं, क्योंकि उसकी इमेज अच्छी नहीं है तो उनका शेयर प्राइस भी डाउन होता चला जा रहा है, कस्टमर्स भी उन पर भरोसा नहीं करते, लोन भी उनको बैंक इजीली नहीं देते, कुछ भी नहीं होता, रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। तो अगर आप एथिकली बिहेव कर रहे हो और आप सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हो तो आपका सब कुछ इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप एथिकली बिहेव नहीं कर रहे आपका सब कुछ डाउन होता चला जाएगा। बात समझ आती है जी? और आगे बढ़ते हैं। एथिक्स नेचर एंड रेलेवेंस टू द बिजनेस, कहते हैं सेवरल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द सक्सेस ऑफ अ कंपनी दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन। मतलब खाली ऐसा नहीं ना कि आप कंपनी की आपकी कंपनी सिर्फ पैसा कमा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, आपकी बैलेंस शीट पीएनएल बहुत अच्छा है, आप प्रॉफिट प्रॉफिट कमा रहे हो, बहुत हैवी प्रॉफिट्स हैं, तो आपकी इमेज अच्छी होगी। नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन स्टिल इनकी इमेज अच्छी नहीं होती मार्केट में, लोग उनको इतना, जैसे रिलायंस और अडानी है, पैसा ये भी कमा रहे हैं लेकिन इनकी उतनी अच्छी इमेज नहीं जितनी टाटा की, इंफोसिस की, विप्रो की है, क्योंकि सोशल वेल। अच्छा, ऐसा नहीं, अच्छा कहने को तो बात यह है कि रिलायंस और टाटा कितने लोगों को, रिलायंस और अडानी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हालांकि वो भी बहुत बड़ी चीज है, कितना टैक्स पे करते होंगे वो भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन स्टिल लोगों को क्या दिखता है कि जनता का सोशल वेलफेयर कितना हो रहा है, उसमें कभी इन लोगों का इतना नाम नहीं आता जितना नाम किसका आता है, टाटा ग्रुप का, इन्फोसिस का, विप्रो का, इन ग्रुप का आता है। तो कह रहा है खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत दूर है एथिक्स, कह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैसी है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी इंडस्ट्री का साइज कितना बड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो, सब मैटर नहीं करता। लॉन्ग टर्म पे आपके सिर्फ एथिक्स मैटर करते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से चलाया कंपनी को, कितने वेल बिहेव मैनर में आपने समाज में भला करा लोगों का, वो सब चीजें मैटर करती है। जैसे आज के टाटा ग्रुप से जब पता लगता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या इन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन समाज के लिए बहुत करा, कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए, अपनी फीमेल एम्प्लॉइज को मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब ये लॉ भी नहीं था प्रेगनेंसी का, उससे पहले से देते आ रहे हैं। कहते हैं लोग, कहते हैं कि टाटा ग्रुप की खासियत इतनी बड़ी है कि कहा जाता है कि वो जस्ट लाइक सरकारी नौकरी की तरह है कि अगर एक बार टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो आसानी से वो निकालते नहीं है, और लोगों को प्राउड फील होता है इंडिया के अंदर टाटा में वर्क करते हुए। कह रहा था मैनेजमेंट टीम सेट्स द टोन फॉर हाउ द एंटायर कंपनी रन ऑन डे टू डे बेसिस। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट टीम का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और आपको पता है टॉप लेवल पे होते हैं, अगर टॉप लेवल गुड होगी, ये चीज याद रखना हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर टॉप लेवल गुड होगी, अगर टॉप लेवल एथिकल बिहेव करेगी तो लोअर लेवल ऑटोमेटिक एथिकली बिहेव करेगा। अच्छा, अगर तुम्हारे मां बाप, हम कहते हैं ना कई बार, तुम सुनना बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, हम कई बार घर पे बोलते हैं ना कि यार कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, गाली गलौज कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, मां बाप ने संस्कार अच्छे नहीं दिए, मतलब बड़े लोगों से इसने ढंग से नहीं सीखा।
लेकिन अगर छोटा बच्चा बड़े रिस्पेक्ट से बात करता है, बड़े लोगों के पैर छूता है, सबको आदर सत्कार देता है, तो हम क्या बोलते हैं, संस्कार बहुत अच्छे हैं इसके। तो सेम वही वाली बात है कि कंपनी के अंदर अगर टॉप लेवल के डायरेक्टर लोग अच्छे हैं ना, लोअर लेवल के लोग अपने आप अच्छे से काम करेंगे, लेकिन टॉप लेवल के डायरेक्टर अगर अच्छे नहीं है तो लोअर लेवल वाले भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा हमारे मालिक ऐसे, छोड़ हम भी, हमको भी क्या फर्क पड़ रहा है। तो सेम वगैरह टॉप मैनेजमेंट जो होती है ना, वो सेट करती है टोन डे टू डे बेसिस पे कैसे होगा। When the prevailing management philosophy is based on ethical practice and behavior, the leader within an organization can direct employees by example and guide them in making decisions that are not only beneficial to them as individual but also to them as an organization as a whole. आगे बात कह रहा, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे से काम करती है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक एग्जाम्पल सेट कर देती है एम्प्लॉइज के लिए, देखो हम अच्छे से काम करें तुम भी करो, इससे ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है और मार्केट में एक पॉजिटिव रेपुटेशन कंपनी की क्रिएट होती है और कंपनी में हाईली टैलेंटेड लोग रुकना पसंद करते हैं। अच्छा तुम्हारी कंपनी की इमेज अच्छी है ना, तुम अगर एम्प्लॉई को सैलरी कम भी दे रहे हो, जैसे टाटा ग्रुप में सैलरी अगर एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनी कम भी मिलती है, लेकिन स्टिल लोग उसको छोड़ते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कंपनी में एथिक्स फॉलो होते हैं, आसानी से हमारे को निकाला नहीं जाएगा, सिक्योरिटी है, मार्केट में इमेज अच्छी है, अगर हम किसी को बोलेंगे हम टाटा में काम करते हैं तो हमारे को लोग रिस्पेक्ट देंगे। तो टॉप से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता चलता है। और अगर मैनेजमेंट एथिकल वे में काम करेगी, एम्प्लॉइज उन्हीं के फुटस्टेप में काम करेंगे, फुटस्टेप मतलब उन्हीं को पीछे पीछे फॉलो करेंगे, कह रहे डिसीजन मेकिंग जो है वो जल्दी हो पाएगी, क्योंकि अगर आप एथिकल वे में काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ, ऑनेस्टी बढ़ेगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वही वाली बातें हो रही है। और उनको पता है एम्प्लॉइज इजिली काम क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे को आसानी से निकाला नहीं जाएगा, तो वो और दिल लगाकर उस कंपनी में काम करेंगे, वो ज्यादा लॉयल रहेंगे अपनी कंपनी के लिए। तो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक रीचेस फॉर बियॉन्ड एम्प्लॉई लॉयल्टी एंड मोरल एंड स्ट्रेंथन ऑफ मैनेजमेंट टीम बॉन्ड। और कहता है अगर आप एथिकली काम करते हो, आप अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, कंपनी सब अच्छे से बिहेव कर रही है, आपस में टीम का बॉन्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, इज्जत से बात करते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल तो हो ही जाती है लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी, और रेपुटेशन भी बढ़ती है कंपनी की, स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। देखो वो बाहर है ना, बाय स्टॉक, लोग इजिली उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, देखो जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है वहां पर मोर इन्वेस्टमेंट होगी। ये सीधी सी बात है, ऐसे याद रख लो, अगर रेपुटेशन गुड है तो कंपनी में मोर इन्वेस्टमेंट होगी, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी के अंदर। अगर रेपुटेशन बैड है उस कंपनी की तो लोग लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये वाली बात है, समझ आ गई जी। तो रेपुटेशन बड़ी मैटर करती है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, बात पल्ले पड़ गई, बस यही है। और कह रहा है पब्लिक इमेज भी गुड होती है, अगर कंपनी एथिकल वे में कर रही है तो पब्लिक इमेज इंक्रीज होगी। तो इसका लाभ समझ आ रहा है, आप ये कीवर्ड याद कर लो कि एथिक्स की रेलेवेंस क्या है, जो तुम्हारे को मैंने ऊपर कीवर्ड बताए थे ना कि पब्लिक इमेज इंक्रीज होगी मार्केट के अंदर, रेप्यूटेशन इंक्रीज होगी, स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा, ये कीवर्ड याद रखो अपने हिसाब से लाइन डालना अगर कंपनी एथिकल वे में काम कर रही है ना। एम्प्लॉइज रिटेन रहेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे, आसानी से छोड़ेंगे नहीं, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज्यादा कस्टमर आएगा वगैरह वगैरह। अब आता है एथिक्स और लॉ में क्या फर्क होता है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, एथिक्स और लॉ में क्या फर्क है, मैंने बताया था कि जो चीज लीगल है वो जरूरी नहीं है एथिकल होगी, इसका सिंपल इतना याद रखो सिर्फ इस वाले में। तो इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी अलग से पेल रखी है तीन चार पैराग्राफ में, आप सिर्फ इतना याद रखो, वो जो तुम्हारे को एक पैराग्राफ लिखवाया था, ये वाला लिखवाया था पैराग्राफ, ये वाला स्टार्टिंग में जो लिखवाया था, एथिक्स और लीगल में क्या फर्क है, ये एनीथिंग विच इज जो इलीगल है वो हमेशा अनएथिकल होगी, लेकिन जो चीज अनएथिकल है वो जरूरी नहीं इलीगल होगी। मैं किसी का मर्डर कर रहा हूं वो अनएथिकल भी है और इलीगल भी है, लेकिन अगर मैं किसी का समझो कि अगर मैं किसी के रोड क्रॉस करने में हेल्प नहीं कर रहा तो वो इलीगल नहीं है, मेरे को जेल नहीं होगी, वो क्राइम नहीं है। इलीगल वो है जहां पे मेरे को क्राइम होगा, जहां पे लीगैलिटी का मतलब है जहां मेरे को पनिशमेंट मिल सकती है, जहां मेरे को सजा मिलेगी। तो अगर कोई चीज इलीगल है तो मेरे को सजा भी मिलेगी और संस्कारों के भी अगेंस्ट है, लेकिन कोई चीज अनएथिकल है, मैंने किसी की रोड क्रॉस करने में हेल्प नहीं करी, मैंने किसी गरीब बंदे को खाना नहीं खिलाया है ना, मैंने किसी के साथ झूठ बोला कोई छोटा मोटा, तो वो अनएथिकल है लेकिन इलीगल नहीं है, है ना। तो वो यही एथिक्स और लीगल में फर्क बता रहा है, पेपर में अलग से पूछ सकता है, तुम वही लिख के आना जो तुम्हारे को मैंने बताया, बाकी अपने हिसाब से पेल रहा है। अब जरा ये क्या है, ध्यान से देखो, तो जब मैं तुम्हें ये एथिक्स और लीगल वाला बताया ना, तुम आखिरी में नोट भी डालाना, एनीथिंग विच इज इलीगल विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अनएथिकल
बट एनी अनएथिकल थिंग मे नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल, ये लाइन जरूर डाल के आना जब ये एथिक्स और लॉ में डिफरेंस पूछ ले। तो एथिक्स का रिलेशनशिप क्या है लॉ के साथ? तो कह रहा है लॉ और एथिक्स दोनों सिमिलर लगते हैं और समाज में दोनों जरूरी हैं, लेकिन लिखा ना टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज, कंड्यूसिव का मतलब है एसेंशियल, यहां पे कंड्यूसिव का मतलब है एसेंशियल कि समाज में दोनों जरूरी हैं। दोनों का मतलब एक ही है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दोनों राइट और रॉन्ग पे बिलीव करते हैं। देखो क्राइम भी यही बोलता है कि आप गलत मत करो सही करो, और एथिक्स भी यही बोलते हैं गलत मत करो सही करो। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो क्राइम वाला गलत करा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर एथिक्स वाला गलत करा तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैंने किसी गरीब की हेल्प नहीं करी तो वो भी गलत तो है लेकिन मेरे को सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो एथिकली गलत करा है। लेकिन अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो वो गलत है मगर वो लीगली गलत है तो मेरे को सजा भी मिलेगी। बस इसमें वही बता रहा है, कह रहा है लॉ तो यूनिफॉर्मली हर जगह अप्लाई होता है लेकिन एथिक्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, लॉ तो हर किसी के लिए सेम है कि मर्डर नहीं करना तो नहीं करना, मैंने भी नहीं करना, किसी ने भी नहीं करना, सबके लिए वो क्राइम है, सबको उठा के जेल में डाला जाएगा। लेकिन एथिक्स तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आपके माँ बाप ने सिखाया गरीब लोगों की हेल्प करो, आप कर रहे हो, किसी के माँ बाप ने नहीं सिखाया वो नहीं कर रहा। आपके माँ बाप ने सिखाया कि कोई बंदा ब्लाइंड है उसकी रोड क्रॉस करने में हेल्प करो, किसी के माँ बाप ने नहीं सिखाया वो नहीं कर रहा। तो कह रहा है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो कह रहा है एथिक्स और लॉ में रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, लेकिन मैंने तुम्हारे को सिंपल सा जो डिफरेंस बताया ना तुम वो लिख के आना, बस वही बहुत है। ये सब तो फालतू के पैराग्राफ है, तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, खत्म हो गया। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट से अगली क्लास से करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।